So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to start another chapter from Unit Biotechnology, that is biotechnology and its applications. So in the last video, we have talked about the principles of biotechnology. हमने काफी सारे important principles के बारे में चर्चा कर ली थी. आज हम उन principles को कैसे imply कर सकते हैं, आज हम उन principles को कैसे apply कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे. And there are a lot of important subtopics जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें इन अ कंप्लीट वे, जिससे कि आपको एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, हम लोग 400 से 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स के. तो उन सेशंस में भी आप जरूर आइएगा, जिससे कि जस्ट पढ़ते ही अगर हम क्वेश्चन करेंगे इस यूनिट के, तो हमें बेहतर तरीके से चीजें जो है समझ में आ जाएंगी और उन्हें कंसेप्चुलाइज करना भी आसान हो जाएगा. सो बायोबली की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है. एंड अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस. मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उन सबके लिंक्स आपको यहीं पर मिलते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि ओजोन क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इफ यू आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, देन यू कैन फॉलो मी अपॉन विपिन शर्मा बायोलॉजी, विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. और अगर आप मेरे अनअकैडमी के बैच पर आना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ विपिन नाम का कोड जो है अप्लाई करना है. अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप डायरेक्टली मेरे बैच के अंदर आ जाओगे. तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेन्युइनली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. जो नहीं लेना चाहते उनके लिए कोई दबाव नहीं है. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका मूड नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने का, देन देयर इज नो एनफोर्समेंट ऑन यू. लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप कोड मेरा लगा सकते हैं, दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, राइट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. एंड प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट कंप्लीटली, बिकॉज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस सेशन के अंदर. तो पहले मैं कुछ जनरल बातें बता देता हूं एंड लेट्स रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनमें हमने कुछ एग्जांपल्स को मद्देनजर रखा, जैसे कि इंसुलिन का एग्जांपल. हमने ह्यूमन के इंसुलिन के जीन को इंसर्ट करने की कोशिश किया इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया. तो हमें क्या करना है, ह्यूमन से इंसुलिन का जीन निकालना है, यानी बेसिकली डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकालना है और उसे ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसर्ट कर देना है. अब क्या होगा, इंसुलिन का जीन सिंस ई कोलाई के अंदर चला गया है तो ई कोलाई जो है हमारा ह्यूमन इंसुलिन तैयार करने लग जाएगी. और जितने ज्यादा बैक्टीरिया हम लोग ग्रो करेंगे उतना ज्यादा ही आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंसुलिन बनेगा. और जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा उसको प्योरीफाई करने के बाद, सेपरेट करने के बाद, आप लोग मार्केट में बेहतर तरीके से कमर्शियलाइज कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इनको लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें. और इसीलिए हम लोग बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. ये 100 से 1000 liters के बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनके अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हो, जिससे आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बने और आपको एक ही टेक में यानी कि एक सिंगल गो में आपको बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएं और आप उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ. तो समझ लीजिए ये आपके ह्यूमन का डीएनए है. नाउ इट इज नॉट सर्कुलर, तो हम इसको थोड़ा सा जो है स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में बना देते हैं. लेट्स से दिस इज द ह्यूमन डीएनए. नाउ इस ह्यूमन डीएनए में से आपका जो काम का डीएनए है जो आपको चाहिए वो इतना है, यानी दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये जो ग्रीन कलर की चीज मैंने बनाई है, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप प्यार से इंसुलिन का जीन भी बोल सकते हैं. यानी ये वो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये वो डीएनए फ्रेगमेंट है जो आगे चल करके क्या बनाएगा, जो आगे चल करके आपका आरएनए बनाएगा. एंड ये आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाएगा. सो इफ दिस इज द जीन ऑफ इंसुलिन, तो ये जो प्रोटीन बनेगा मेरे भाई, ये प्रोटीन कौन सा होगा, ये आपका इंसुलिन प्रोटीन ही होगा. ये बात बहुत ही ज्यादा समझने लायक है. ओके, तो जब ये इंसुलिन का जीन आपका एक्सप्रेस करेगा, तो एक्सप्रेशन आप किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन आप बोलते हैं जब एक फंक्शनल आरएनए या फिर एक फंक्शनल प्रोटीन आपका तैयार हो जाए किसी डीएनए से. तो जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होता है, ये आपका प्रोटीन होता है. तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन चुका है, इसका मतलब डीएनए एक्सप्रेस किया है. ओके, तो ये आपकी बॉडी में तो एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया के अंदर आप डालें या किसी ईस्ट के अंदर डालें तो भी आप डाल सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने पूरे जीनोम के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे एंड आफ्टर क्लीविंग योर जीनोम इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स आप सेपरेट कर लेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को. तो आपको क्या मिल गया है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है. आपने इस पूरे जीनोम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और आखिर में आपको क्या मिल गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया. सिमिलरली आपको इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठाना पड़ता है गाड़ी के अंदर, एक गड्डी में, और उस गड्डी का नाम क्या है, उस गड्डी का नाम है वेक्टर. और सबसे कॉमनली जो वेक्टर आप इस्तेमाल करते हो उनका नाम क्या है, इधर द प्लाज्मिड और द बैक्टीरियोफेज. यहां पर हम प्लाज्मिड का एग्जांपल कॉमनली लेते हैं क्योंकि हम बैक्टीरिया के अंदर इसे डालना चाह रहे हैं. तो प्लाज्मिड आपका सिंस बैक्टीरिया का ही पार्ट है,
बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियॉइड के अलावा यानी मेन क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे काफी सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो यहां पर दोस्त ये जो प्लाज्मिड है इसको भी आपने काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब आप इन दोनों को क्या करा देंगे, अब आप इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इनक्यूबेट कर देंगे और लाइगेज एंजाइम डाल देंगे। तो लाइगेज एंजाइम यहां पर जो है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर जोड़ देगा इस प्लाज्मिड के साथ, एंड अल्टीमेटली लाइगेज एंजाइम जो है ये इसे सील कर देगा इन दोनों पोजीशन पे से, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर बना देगा। अब इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो यहां पर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और ह्यूमन का डीएनए कंबाइन हुआ है इसे आप रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। जाहिर सी बात है यहां पर डीएनए रिकम्बाइन हुए हैं अलग अलग स्पीसीज के। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है दोस्त इसको आप लोग उठा करके ट्रांसफॉर्म करवा देते हो, यानी इसे आप ले जाते हो बैक्टीरिया के पास एंड आप कोशिश ये करते हो कि बैक्टीरिया इस डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, जिसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया जो है इसको मैं बना देता हूं यहां पर, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप न्यूक्लियॉइड बोलते हैं या फिर जीनोपोर बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मेन क्रोमोसोम, इसे आप क्रोमोसोम बुलाते हैं, क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया। इट इज नॉट रियल क्रोमोसोम जस्ट लाइक द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, लेकिन इसे क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया बोला जाता है। ये एक नंबर में होता है, यानी इट इज ओनली वन इन नंबर, सो इट इज कॉल्ड ए सिंगल क्रोमोसोम और इट इज कॉल्ड एज जीनोपोर और न्यूक्लियॉइड इसका सबसे कॉमन नाम है जो कि आपको मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस न्यूक्लियॉइड के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली क्या प्रेजेंट रहता है, आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। तो प्लाज्मिड आपने यहां पर इंसर्ट करा दिया, तो रेड कलर का प्लाज्मिड था और उस पर ग्रीन कलर का क्या लगा हुआ है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ। अब क्योंकि आपने आपको बार 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 रेप्लीकेट कर सकता है मेरे दोस्त, तो आपके और रेड कलर के प्लाज्मिड आए और उन पे ग्रीन कलर का आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट और लगा हुआ आपको देखने को मिल गया। एंड सिमिलरली यहां पर इस चीज की मल्टीपल कॉपीज बनती रहेंगी और काफी सारे जो है आपके क्लोन्स बन जाएंगे प्लाज्मिड्स के, और जब जब प्लाज्मिड रेप्लीकेट करेगा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लीकेट करेगा, और जब जब प्लाज्मिड एक्सप्रेस करेगा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस करेगा, यानी आपका इंसुलिन प्रोटीन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया समझ लो खुद के 500 या 1000 के आसपास प्रोटीन बनाता है, तो उनमें से आपको अब इंसुलिन प्रोटीन को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, उसके बाद आपको चेक करना है वेदर दिस इंसुलिन इज फंक्शनल और नॉट, क्या लोगों में सही तरीके से काम कर रही है, जिसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हो, जिसमें कि आप किसी वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि क्या वो सेफ है, राइट। आप जो है लेबोरेटरी में टेस्टिंग्स करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि अलग अलग वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है, एनिमल टेस्टिंग की जाती है, सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है, वो सारे के सारे आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली आपका जो इंसुलिन है ह्यूमन का, ये आपने बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज करा लिया बाय सेंडिंग सम रिकम्बिनेंट डीएनएज इनटू द बैक्टीरियम। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर आप इसे बोल रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस चीज के फायदे क्या क्या है, ये तो एक फायदा हो गया, ये तो अपने आप में एक क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई कि ह्यूमन इंसुलिन आप इकोलाई से कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है अगर कोई डायबिटिक पेशेंट था तो उसको अगर आपको बचाना है फ्रॉम डायबिटीज तो आपको इंसुलिन अलग अलग जानवरों से लेनी पड़ती थी, जैसे आपने किसी पिग से ले लिया, आपने किसी कैटल से ले लिया, और हमारी और उनकी इंसुलिन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। काम तो वो हमारे अंदर कर देगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन अ फ्यू नाइट्रोजनस बेसिस, उनका जो प्रोटीन बनता था वो भी हल्का सा म्यूटेटेड होता था, यानी हमारे इंसुलिन से एक दो अमीनो एसिड उनके में अलग मिलेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम अब बहुत ज्यादा रॉबस्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम सोचेगा कि हमने जो इंसुलिन ली है वो एक फॉरेन प्रोटीन है और उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देगा। यानी वो इंसुलिन हमने जैसे तैसे ले तो ली अपने काम के लिए, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में ठीक तरीके से काम नहीं करने देता, जिससे कि आपकी काफी सारी एलर्जीज या फिर आपके हाइपर स्टिमुलेशन वाले रिएक्शंस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते थे, जिससे कि बीमारी और ज्यादा भयंकर हो जाती थी। पहले तो सिर्फ डायबिटीज था, लेकिन अब डायबिटीज के अलावा एलर्जिक रिएक्शंस भी आपकी बॉडी के अंदर होने लगे, राइट। तो एक चीज में अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा मिला है तो उसके साथ साथ मेजर नुकसान भी हो गया है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना खुद का इंसुलिन तैयार किया जाए। अब मेरा जीन है मेरे भाई, ये ह्यूमन का इंसुलिन का जीन है, अगर इसको मैं बैक्टीरिया में डालता हूं तो ये ह्यूमन का इंसुलिन ही बनाएगा। ये सेम इंसुलिन है, 100% सेम इंसुलिन है जो हमारे अंदर बनता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आपको कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी रिएक्शन, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी या फिर कोई भी हाइपर स्टिमुलेशन नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक वरदान है
काफी सारे केसेस के अंदर, उन सारे केसेस को आज हम देखेंगे कि आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट में किस तरीके से काम करता है, आपका क्रॉप ब्रीडिंग में किस तरीके से काम करता है, पेस्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से काम करता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से काम करता है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, बीमारियों के डायग्नोसिस में किस तरीके से काम करता है, बीमारियों को ट्रीट करने में किस प्रकार से काम करता है, जीन थेरेपी क्या होती है, एंजाइम थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल्स या फिर प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हो फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सारी बात करेंगे। तो आई होप बेस तैयार हो चुका है, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी जाकर के देख लेना, उसमें भी ये पूरा प्रोटोकॉल बताया हुआ, लेकिन स्टेप वाइज कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा। जैसे मैंने बोला यहां पर काट दिया हमने इसे, तो नॉर्मली बोल दिया कि मैंने काटा है, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, देन मैंने यहां पर बोला इनको मैंने सेपरेट कर लिया तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, फिर मैंने बोला यहां पर इसे ऐड कर दिया लाइगेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, देन इसको मैंने यहां पर भेज दिया तो भेजा कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपका कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है इन द फर्स्ट लेक्चर। प्लीज जाओ उसे देखो, अगर नहीं देखा है तो देख लिया है तो ये वीडियो मक्खन की तरह निकल जाएगी मेरे दोस्त, कोई भी नई बात मैं नहीं करने वाला, लेकिन जो भी आपके एप्लीकेशन है उनको बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे अगर आप पहला लेसन देख के यहां तक पहुंचे हो। तो बात करते हैं यार बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की, तो काफी सारी रेंजेस हैं जिनमें आप लोग इन एप्लीकेशंस को समझ सकते हो। तो पहली जो एप्लीकेशंस है वो है बायोफार्मास्यूटिकल, जैसे मैंने आपको बोला कि इंसुलिन बनती है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू नो बायोफार्मास्यूटिकल, उसको भी आप यू नो अलग अलग डिजीजेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप डायबिटीज को ठीक करते हो बाय गिविंग द इंसुलिन, तो इंसुलिन भी आप यहां से निकाल सकते हो। थेरेप्यूटिक्स यानी काफी सारे आपकी और भी जो मेडिसिनल पर्पस के लिए चीजें बनाई जाती हैं, दे कुड ऑल्सो बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डायग्नोस्टिक्स यानी बीमारियों का पता लगाने में, अब आपका जो एड्स है उसके लिए आप एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी, राइट, तो यहां पर भी आप रिकम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो। कहां पे इस्तेमाल करते हो, कैंसर का पता लगाने के लिए म्यूटेशन का इस्तेमाल करते हो, ओके, ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे बहुत डिटेल में आएगा। इसके अलावा आप डायग्नोस्टिक्स में क्या करते हो, एम्प्लीफिकेशन करते हो किसी भी जीन का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी में अगर कोरोना वायरस आ चुका है और उसका अमाउंट काफी कम है क्योंकि जस्ट अभी वो एंटर हुआ है, बहुत ज्यादा अपने आप को उसने रेप्लिकेट नहीं किया है, रॉबस्ट वे में उसका जो है मल्टीप्लीकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो भी आप अपने ब्लड के सैंपल में से अगर थोड़ा भी कोरोना वायरस का एक ट्रेस भी है तो उसको बिलियंस टाइम बढ़ा करके देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर। तो आपको बहुत पहले यानी बहुत अर्ली डायग्नोसिस मिल जाता है किसी भी चीज का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी आपके एग्रीकल्चर में काफी सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर आपने जीन डाल दिए हैं जो कि बीमारी पैदा ही नहीं होने देंगे, या फिर अगर कोई इंसेक्ट उन्हें खाने आ रहा है तो इंसेक्ट की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, आपको इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं। काफी ऐसे हैं जो खुद को पेस्ट से बचा लेते हैं, काफी ऐसे हैं जो खुद को पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेस से बचा लेते हैं, तो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू रीड। प्रोसेस्ड फूड, फूड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा था कि गोल्डन राइस था, दैट वाज विटामिन ए एनरिच्ड, राइट, उसके अलावा देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जो कि आप क्रिएट भी कर सकते हो। समझ लीजिए आपको एक प्रोटीन चाहिए जो कि आप चाहते हो कि आपकी क्रॉप में आपको मिले, तो आप उस प्रोटीन का जीन उस क्रॉप के अंदर इंसर्ट करा सकते हो। तो जब आप किसी भी सीड को ग्रो करवाएंगे, जर्मिनेट कराएंगे, तो वो जो जीन है दैट इज आल्सो गोइंग टू एक्सप्रेस, तो आपका जो एडिशनल प्रोटीन है वो भी आपको अपनी वेजिटेबल्स में, अपनी क्रॉप्स में देखने को मिल जाएगा, विच यू हैव इंसर्टेड, राइट, सो यू कैन ऑल्टर द क्वालिटी और एनहेंस बेसिकली द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स और क्रॉप्स जो कि आप उगा रहे हैं। बायो रिमीडिएशन, बायो का मतलब होता है यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड रिमीडिएशन का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, यानी काफी सारे ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपको ऑयल स्पिल से बचाते हैं, जैसे आपने सूडोमोनास कुटीडा का नाम सुना होगा, सूडोमोनास, राइट, ये जो है आपका बग भी कहलाता है, इसे सुपर बग बोलते हैं, राइट, इट इज नॉट एन इंसेक्ट, लेकिन इसे सुपर बग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, रिसेंट न्यूज में था कि रशिया जो है वहां पर तेल लीक हो चुका है, तो जो समुद्र है उसके ऊपर अगर तेल लीक हो चुका है तो आपको पता है कि वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते, तो ऑयल जो है एक सेपरेट लेयर बना लेती है बिकॉज इट इज लेस डेंसर देन वाटर, तो ये पानी के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिसकी वजह से सनलाइट अब पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, तो जो आपकी एक्वेटिक फ्लोरा थी उसकी डेथ होने लग जाएगी। अगर एक्वेटिक फ्लोरा यानी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह खाना बनाना बंद कर चुके हैं ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, तो आपके जो जूप्लैंक्टन्स वगैरह थे या जो एनिमल्स प्लांट के ऊपर फीड करते थे उनकी भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हर्बीवोर्स मर चुके हैं तो अंदर वाले कार्निवोर्स
भी मर जाएंगे, छोटी मछलियां मरना स्टार्ट हो गए हैं तो बड़ी मछलियां भी ऑटोमेटिकली मर जाएंगी, और ऑक्सीजन की भी पेनिट्रेंस कम हो जाती है, यानी जो आपके ऑर्गेनिज्म है ओके आपके समुद्र के अंदर वो सांस भी नहीं ले पाएंगे, उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो उस ऑयल को हटाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेचुरली उस ऑयल पर फीड करते हैं और उसे नॉन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो सूडोमोनास क्यूटिडा। सो इसे बायो रेमिडिएशन के अंदर जो है आप काउंट करोगे। सिमिलरली देर आर सम बैक्टीरिया जिनको अगर आप अच्छे खासे अमाउंट में ग्रो करवाते हो तो वो CO2 को लेकर के और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और उन्हें कार्बन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सच एज ग्लूकोज वगैरह। ये आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रॉबस्ट वे में इस प्रोसेस को करते हैं। सो अल्टीमेटली आपके एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज्यादा कहीं पर यू नो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो उसको आप लोग कन्वर्ट करा सकते हो इनटू कार्बोहाइड्रेट, विच इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पर कम हो जाएगी, एयर ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाएगी। सिमिलरली काफी सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर ग्रो करते हैं, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप बायोलॉजिकल फिल्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो जो कि आपके पानी से फ्लोराइड जो है रिमूव करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर होता है या फिर कुएं का जो पानी रहता है या फिर हैंडपंप का जो पानी है जो काफी पुराना हो चुका है उसमें फ्लोराइड का कॉन्टेंट बढ़ जाता है, एंड दैट फ्लोराइड कॉन्टेंट कैन कॉज फ्लोरोसिस, यानी आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, उसमें से डीकैल्सिफिकेशन होने लग जाती है, आपके दांत कमजोर होने लग जाते हैं, दांतों में छोटे छोटे पीले कलर के छेद होने लग जाते हैं ड्यू टू हाई फ्लोराइड कॉन्टेंट, जिसको आप मॉटलिंग बोलते हो, टीथ मॉटलिंग आप इसे बोलते हो, राइट। काफी लोगों के दांत आपने देखे होंगे वो खराब पानी की क्वालिटी की वजह से होते हैं। तो पानी में फ्लोराइड कम करने के लिए भी काफी सारे प्लांट्स और उनके एक्सट्रैक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। जब आप यू नो उस प्लांट के थ्रू पानी को पास करोगे, यानी बेसिकली आपने एक फिल्टर बना लिया है लेट से, उस फिल्टर के अंदर से आप पानी को जब पास करोगे तो आपका पानी जो है प्योरीफाई हो जाएगा। इस पर काफी ज्यादा काम भी चल रहा है। वेस्ट ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा था मेरे भाई कि वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान आपका सबसे ज्यादा काम आने वाली जो चीज है वो आपके बैक्टीरिया ही है ओके, और आपके फंगस वगैरह। सो ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट में भी काफी ज्यादा काम आ रहे थे और वेस्ट ट्रीटमेंट में भी ये आपके काम आते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, यहां से आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं जिनको बर्न करके आप लोग जो है एनर्जी भी निकाल सकते हो, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसमें से रिकम्बिनेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखेंगे। सो तीन क्रिटिकल एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है और जिनके ऊपर अभी तक रिसर्च हो चुकी है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो पहला हमारा जो एम है वो फर्स्ट एम हमारा ये रहता है मेरे दोस्त कि हमें प्रोवाइड करना है द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें तैयार करना है या फिर उसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम हमें बनाना है जो कि बेस्ट हो। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे एनहेंस करना है तो मैं केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस को जब एनहेंस करने की बात करता हूं तो मुझे कैटलिस्ट चाहिए, राइट। इट इज एन इनऑर्गेनिक टर्म। लेकिन अगर मुझे अपनी बॉडी के अंदर किसी रिएक्शन को एनहेंस करना है तो मुझे बायो कैटलिस्ट चाहिए, और इस बायो कैटलिस्ट को मैं क्या कहता हूं, इस बायो कैटलिस्ट को मैं एंजाइम कहता हूं मेरे दोस्त, राइट, इसे मैं एंजाइम कहता हूं। तो यहां पे जो है हमें बेस्ट कैटलिस्ट तैयार करना है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर एक प्योर एंजाइम के फॉर्म में, जिससे कि हम हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टिमुलेट कर सके और बहुत ही कम टाइम में रिएक्शंस को एफिशिएंटली करा सके। लेकिन एंजाइम आपको पता है कि वो जब काम करता है तो इसे क्या चाहिए, इस एंजाइम को चाहिए मेरे दोस्त ऑप्टिमल कंडीशंस। इसको बेस्ट पीएच चाहिए, बेस्ट टेम्परेचर चाहिए, सारी चीजें इसे प्योर प्रॉपर चाहिए, तभी जाके जो है एंजाइम आपका बेस्ट तरीके से काम करेगा। तो इट क्रिएट्स द ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर एन कैटलिस्ट टू एक्ट, राइट। यानी ये क्या करे, ऑप्टिमल कंडीशंस भी तैयार करे जिससे कि एंजाइम जो है बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो पहला हमारा काम क्या था, पहला हमारा काम ये था कि हमें बेस्ट एंजाइम तैयार करना है। अब एंजाइम तैयार कर दिया तो उसे बेस्ट कंडीशंस भी दे दो, एंजाइम आपका एकदम ऑप्टिमल तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड जो चीज है ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी फाइनली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को जब आपने एक्सप्रेस कराया और प्रोटीन बनवा दिया तो जो प्रोटीन है मेरे भाई वो आपका अब प्योर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर आपने अपना इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कर दिया है तो बैक्टीरिया में खुद के भी तो जीन्स थे, बैक्टीरिया का खुद का भी तो जीनोम है। जैसे अगर आप ई कोलाई की बात करो तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर लंबा उसका खुद का जीनोम है, तो इसमें तो हजारों जीन्स होंगे, यानी उसके भी तो हजारों प्रोटीन्स बन रहे होंगे। उन प्रोटीन्स में से आपको अपना इंसुलिन सेपरेट करना है और उसे प्योरीफाई करना है कि उसमें जरा से भी गंदगी ना हो। इनको आप क्या बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल रहे थे।
और फिर आप इसका सेफ्टी टेस्टिंग करोगे, राइट, इसका सेफ्टी टेस्टिंग करोगे कि कितना ज्यादा सेफ है, क्या आप इसको लोगों पे इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं, जिसको आप क्लिनिकल ट्रायल्स भी बोलते हो। सिंस यहां पर हम इंसुलिन का नाम ले रहे हैं तो इंसुलिन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स बनते हैं, सिंस इट इज यूज्ड एज अ ड्रग इन द मार्केट, तो जाहिर सी बात है इसके क्लिनिकल ट्रायल्स आपको लेने पड़ेंगे विदाउट अ डाउट, राइट। सो तीन चीजें हमने यहां पर इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बेहतर एंजाइम बनवाना होता है आपके बैक्टीरियम से, जो कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। आपने एक बार अगर एंजाइम तैयार कर लिया तो उस एंजाइम को एक्ट करने के लिए आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट कंडीशंस देनी पड़ती हैं, तो ऑप्टिमल कंडीशंस भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका प्रोडक्ट बन चुका है तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, उसे प्योरीफाई करना है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस वहां पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो बात करते हैं यार एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले आपका क्रॉप डेवलपमेंट या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या काम करता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन, राइट। सो यहां पर देखो तीन ऑप्शंस हैं आपके पास फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, और इन्हें आप थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एंड केमिकल का मतलब यहां पर आपने फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, या फिर आपने पेस्टिसाइड डाल दिए हैं, या आपने इंसेक्टिसाइड डाल दिए हैं, या आपने हर्बिसाइड डाल दिए हैं। समझ लीजिए एक आपकी क्रॉप थी उसके बगल में वीड्स उगे हुए थे तो आपने वीडिसाइड डाल दिए, आसपास कुछ इंसेक्ट थे जो कि आकर खाने लग पड़े थे आपकी क्रॉप को और आपकी क्रॉप जो थी खत्म हो चुकी थी तो आपने इंसेक्टिसाइड छिड़क दिए। यहां पर ये जो केमिकल्स हैं ये मिट्टी को भी खराब करते हैं, बिकॉज दोज केमिकल्स आर गोइंग टू अक्यूमुलेट इनसाइड द सॉइल, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दोज केमिकल्स आर आल्सो गोइंग टू बी अक्यूमुलेटेड इनसाइड द क्रॉप इटसेल्फ, यानी कि जो केमिकल टॉक्सिसिटी है क्रॉप के अंदर वो बढ़ रही है। अगर केमिकल टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को खाते हो विच आर फिल्ड विद केमिकल्स, तो आपकी बॉडी पर भी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये तो तब की बात है जब सब्जी के अंदर या क्रॉप के अंदर केमिकल्स हैं, उससे आपको डायरेक्ट जो है बहुत सारी खराबियां अपने अंदर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर सॉइल के अंदर वो केमिकल है तो वो क्या करेगी, पहली बात तो अंडरग्राउंड वाटर को खराब करेगी, क्योंकि ये जो आपके केमिकल्स हैं ये धीरे धीरे रिस्क के अंदर जाने लग जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी को खराब करेंगे, और अगर वो सॉइल के अंदर पड़े रहे कुछ क्वांटिटी में तो सॉइल की क्वालिटी को भी खराब करेंगे। उसके बाद आप जितने भी क्रॉप उगाओगे सबके अंदर केमिकल टॉक्सिसिटी हाई रहेगी। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड जो है इनसे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट तो मिल जाते हैं, तो आपकी क्रॉप इंप्रूवमेंट हो जाती है अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, लेकिन इसके अपने नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो इसको तो हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसका हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सेकंड जो है आपका, इसे आप बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो मेरे जस्ट पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब यह है इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, यानी आपने कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं लिया है, आपने कोई मिनरल ऐड नहीं किया है बाहर से, यानी आपने कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया है, आपने जैसे कि राख का इस्तेमाल कर लिया, जो घर पे बनी हुई राख है, जैसे कि अगर गांव में चूल्हा वूल्हा जलाते हैं तो उसकी जो राख आती है उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसके अंदर भी राख इज व्हाट, इट इज इनऑर्गेनिक ऐश, तो उससे आप मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। या फिर गांव में बहुत ज्यादा होता है कि आपने गोबर का इस्तेमाल कर लिया, राइट, आपकी कुछ सब्जियां थी जो आपने काटी तो उन सब्जियों का जो बचा हुआ कचड़ा रहता है जिसको हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, राइट, उसको अगर आप लोग सॉइल में सप्लीमेंट करते हो देन इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ मैन्योर, या आपका ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता है और सॉइल की क्वालिटी इससे भी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि अगर हम सॉइल के अंदर आपकी राख डाल रहे हैं, अगर हम सॉइल के अंदर आपका कचरा वगैरह डाल रहे हैं, इन द सेंस मतलब वेजिटेबल्स का कचरा, तो वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन व्हाट इफ अगर एक इंसेक्ट आ गया, तो अब तुम उस कचड़े से या अब तुम उस राख से इंसेक्ट को तो नहीं भगा पाओगे ना, उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, यानी अल्टीमेटली एग्रोकेमिकल का थोड़ा बहुत यूज आपको करना ही पड़ेगा, सप्लीमेंटेशन की जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ती है, लेकिन हाँ यहां पर क्रॉप की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होती। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी हमने क्रॉप को जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया है। किस प्रकार से, हमने एक जीन डाल दिया है ऐसा प्लांट के अंदर जो कि इंसेक्ट को मारता हो। अगर इंसेक्ट को पता लग गया कि भाई इसको खाते ही मैं मर जाऊंगा, तो इंसेक्ट दूर दूर भगेगा, सीधी सी बात है, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती।
सिमिलरली आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं दैट कुड बी यूज्ड यू नो टू बी सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट, जिससे कि वो उन्हें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करें। जैसे समझ लो देयर इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, तुम लोगों के दिमाग के कबाट खुल जाएंगे। ये यूजुअली मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अभी शेयर करना आई थिंक अच्छा रहेगा बिकॉज आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली है। मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना, मैं जो कहूंगा उस एक एक वर्ड में कंसेप्ट है। सुनो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जीनोमिक एनालिसिस, यानी किस सेल के अंदर कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं ये मुझे पता लग सकता है। ऐसी मेरे पास टेक्निक है रिसर्च के अंदर। एक होता है ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन कौन से mRNA ज्यादा बने या कम बने उसका भी मेरे पास जुगाड़ है देखने का कि कौन सा जीन ज्यादा एक्सप्रेस हुआ कौन सा कम एक्सप्रेस हुआ। एक होता है प्रोटियोमिक्स, यानी एक पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर या एनिमल के सेल के अंदर जो भी मैंने लिया है इनटू कंसिडरेशन उसमें कितने प्रोटीन ज्यादा बने या कितने प्रोटीन कम एक्सप्रेस हुए वो भी मुझे पता लग जाएगा। प्रोटियोमिक एनालिसिस भी मैं कर सकता हूं। अब समझ लो एक आपका प्लांट है जो नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ था। दिस इज द प्लांट विच इज इन द नॉर्मल कंडीशन। तो मैंने नॉर्मली क्या लिया, इस प्लांट के सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इस सेल का मैंने क्या देखा, इस सेल का मैंने आपका जीनोमिक एनालिसिस देखा या प्रोटियोमिक एनालिसिस देखा। तो मेरे को पता लगा कि भाई इसका जो प्रोटीन ए है ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है, इसका जो प्रोटीन बी है ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है, इसका जो प्रोटीन सी है ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है, एंड इसका जो प्रोटीन डी है ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है। ये मुझे पता लगा। अब मैंने क्या किया, अब ये जो प्लांट जब ड्रॉट कंडीशन में गया, जब भाई सूखे की कंडीशन पड़ गई ना, जब सूखे की कंडीशन पड़ गई तो आपको इसी प्लांट को फिर दोबारा से चेक करना है। जब मैंने इस प्लांट का अब सेल लिया सूखा पड़ने के बाद और अब मैंने इसका प्रोटीन एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि ये वाला जो प्रोटीन है ये आपका थोड़ा सा ही ज्यादा बना, यानी लगभग उतना उतना बना। ये वाला प्रोटीन आपका लगभग उतना का उतना बना। ये वाला प्रोटीन आपका 3 गुना ज्यादा बना सी वाला, और ये वाला भी आपका उतना का उतना बना। क्या मैं कह सकता हूं कि सी वाला जो प्रोटीन है ये आपको ड्रॉट से बचाता है? मैं बिल्कुल कह सकता हूं। इसीलिए तो हम यार जीनोमिक और ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस करते हैं। ये रिसर्च की बात होगा, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, लेकिन इससे तुम्हारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे दिमाग के। तुम समझने की कोशिश करना कि रिसर्च किस प्रकार से काम करती है। मैंने एक नॉर्मल सेल को लिया और मैंने देखा हाँ भाई 4 प्रोटीन्स नॉर्मल वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैंने एक सेम जगह का सेल उठाया जब प्लांट आपकी ड्रॉट कंडीशन में था और मैंने देखा एक प्रोटीन की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गई है, यानी ये प्रोटीन उस कोशिश में लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा बन के कि किस प्रकार से मैं प्लांट को ड्रॉट से बचा। राइट, सो इसी प्रकार के जो जीन्स होते हैं इनको मैं ज्यादा एक्सप्रेस करा दूंगा। अगर मुझे इस जीन का पता लग गया कि ये प्रोटीन बना किस जीन से है तो मैं उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और मैं इन्हें उन प्लांट्स में डालने की कोशिश करूंगा जो कि रहते ही ड्रॉट में है, जो कि रहते ही सूखे में है। अगर ये प्रोटीन जो एक प्लांट को ड्रॉट से बचा रहा है, अगर इस प्रोटीन को मैं दूसरे प्लांट में डालूं तो उसको ड्रॉट से राहत मिलने के चांसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सी नाम का प्रोटीन यहां से निकाल लूंगा या फिर सी नाम के प्रोटीन का डीएनए या जीन यहां से निकाल लूंगा और फ्रेश प्लांट के अंदर डाल दूंगा, तो वहां पर वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे। एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि रिकॉम्बिनेंट जो आपके प्लांट होते हैं दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट या फिर आपके बीमारियों से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन क्यों ये बच्चों को नहीं पता लगता और ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं दिया हुआ है। यह एग्जाम्पल तुम चाहो तो नोट कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये बात समझ में आई हो तो नीचे एक बार थम्स अप दे देना और इसका टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर देना एक बार, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि बहुत मस्त बात थी। राइट, चलो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यहां पर इन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ये वो प्लांट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो फंगस होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जिनके जीन्स को मैंने चेंज कर दिया है बाय मैनिपुलेशन, यानी मैंने इनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में कुछ ना कुछ चेंजेस ला दिए हैं, मैंने इनके अंदर कोई नया जीन ऐड कर दिया है। नया जीन ऐड कर दिया है तो जब वो एक्सप्रेस करेगा तो नया प्रोटीन बनेगा, जब नया प्रोटीन बनेगा तो नया फिनोटिपिक कैरेक्टर आपके प्लांट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के अंदर या एनिमल के अंदर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। राइट, चलिए तो डिटेल में बात कर लेते हैं भाई। जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर आपने प्लांट में कर दी तो मजा कैसे आएगा। इट मेक्स द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी ऐसे स्ट्रेसेस जैसे पानी है, टेम्परेचर है, सॉइल है, इनसे आपको बचा लेता है। जैसे कोल्ड है तो मैंने कोल्ड सेंसिटिव जीन निकाल लिया और दूसरे प्लांट के अंदर डाल दिया। ड्रॉट है, जब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, सेम गोज विद द कोल्ड सॉल्ट एंड हीट,
यानी ऐसे प्रोटीन जो कि किसी भी प्लांट को जो हाई टेम्परेचर में रहता है उसको टेम्परेचर से बचाने वाले कोई ना कोई तो जीन्स रहते होंगे ना, उनको मैं निकाल लूंगा और उनको निकालने के बाद मैं दूसरे प्लांट के अंदर एंटर करवा दूंगा। सो ये जो अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं इनसे बचाया जाता है अलग अलग प्लांट्स को बाय मेकिंग देम जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट। ये पड़ोसी का बच्चा पिटेगा मेरे से, बहुत गंदी सीटी बजा रहा भाई, पता नहीं कौन से मेले से खरीद के लेके आया, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे पता नहीं तुम्हें सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा। ओके ये चिंटू मरेगा आज मेरे हाथ से। ओके, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ओके, यानी अगर कोई क्रॉप खुद पेस्ट रेजिस्टेंट है तो ये जाहिर सी बात है पेस्टिसाइड्स नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर हम डालें, बिकॉज कोई भी पेस्ट अगर किसी क्रॉप को खाएगा जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट थी तो इंसेक्ट की खुद ब खुद डेथ हो जाएगी, आपको अलग से पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यहां पर देने की जरूरत नहीं है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टर लॉसेस, यानी कटाई के बाद आपकी जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाती थी उनको भी आप बचा सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी सारे कीड़े लग जाते थे जिनको आप नॉर्मली एज अ फॉडर यूज करते हो, आप अलग अलग कैटल्स को उन्हें खिलाने के काम में लेते हो, लेकिन अगर उनके ऊपर कीड़े लग चुके हैं या फिर अगर वो सड़ गई है जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टेशन तो वहां पर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा जिससे कि आप कमर्शियली इसका भी इस्तेमाल कर सको। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, यानी प्लांट जो है वो एफिशिएंटली मिनरल को यूटिलाइज करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितना पैसा है मैं उसको इकट्ठा यूज कर दूं, कि हाँ भाई चलो मेरे पास 5 लाख रुपए जमा हुए हैं मैं एक गाड़ी ले लेता हूं और उसके बाद खाओगे क्या कुछ, मतलब ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए ना कि हाँ भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है और मेरे को गाड़ी भी खरीदनी है तो मैं गाड़ी कहीं से या तो सेकंड हैंड ले लूँ 2-2.5 लाख रुपए की, या फिर अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मैं 3.5-4 लाख की ले लूँ, 1 लाख मेरे पास स्टॉक में होना चाहिए, खाऊंगा भी तो कुछ, सिर्फ गाड़ी में बैठने से पेट थोड़ी भर जाएगा। तो यहां पर जो है आपका क्रॉप वो इसी प्रकार से एक कोशिश में लग जाता है कि किस हिसाब से मैं मिनरल यूजेज को एफिशिएंटली मैनेज करूं, मैं उतने ही मिनरल उठाऊं कि मुझे पता हो कि हाँ मुझे अगले साल भी इसी सॉइल से मिनरल चाहिए। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पर आसपास बहुत सारे खेत हैं और मैं गांव के इलाके से ही बिलोंग करता हूं, तो हम जब देखते हैं कि 2-3 सीजन आपकी क्रॉप उगाई जाती है और उसके बाद खेत को 1 सीजन के लिए खाली छोड़ा जाता है जिससे कि वहां पर बैक्टीरिया, आपके जितने भी अर्थवर्म्स हैं या फिर आपके जो भी फंगस हैं वो आपके सॉइल के मिनरल क्वालिटी को दोबारा से क्या कर दे, एनहेंस कर दे। लेकिन अगर आपका क्रॉप बढ़िया तरीके से चीजों को ले रहा है एफिशियंट मैनर में तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, आपकी जो सॉइल है वो एग्जॉस्ट नहीं होती, उसके मिनरल्स खत्म नहीं होते, वो जितने तेजी से सप्लीमेंट हो रहे हैं उतनी तेजी से वो खत्म भी हो रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाता है। इट एनहेंसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, खाने की आप न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रख सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि विटामिन ए जो है वो आपका बनेगा राइस से, जिसको आप गोल्डन राइस बोलते हो। इसके ऊपर यार पता नहीं कितने क्वेश्चन आए हुए पास्टर में, अगर मैं तुम्हें पास्टर क्वेश्चन पेपर कराने बैठ गया मैंने गिने हैं अपने हाथों से 6 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले उल्टा पुल्टा घुमा घुमू के। आपको पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो आपको यह पूछ लिया जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी चीज को खाने से ठीक हो सकती है, ऑप्शन में गोल्डन राइस दे देगा। ओके, तो ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस या विटामिन ए या गोल्डन राइस देखने को मिल गया तो समझ लो क्वेश्चन इसी के ऊपर है। इसे एक लाइन से 6-7 बार क्वेश्चन आया हुआ है और हमने पास्टर पेपर जब सॉल्व किए थे ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस तो काफी बार हमें मिला था एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें इसको याद करना पड़ेगा दोस्त। सो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे प्लांट जो आपके काम की चीज बनाए। टेलर मेड किसे कहा जाता है, टेलर मेड मतलब कि आप कहीं पर गए हो टेलर के पास और आपने बोला है कि भैया बाजू थोड़ी छोटी कर दो, कमर थोड़ी मोटी कर दो, मतलब जैसा तुमने बोला है वैसा तुम्हारी फिटिंग के हिसाब से जो है सूट तैयार हो जाएगा, शर्ट तैयार हो जाएगी, पैंट तैयार हो जाएगी, नाड़े वाला कच्छा जो भी तुम पहनना प्रेफर करते हो, अगर तुम दर्जी के पास जाते हो तुम्हारे हिसाब से बनेगा। टेलर मेड का मतलब जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी ख्वाहिशों को देखते हुए, तुम्हारी जरूरतों को देखते हुए उसे पूरा किया जाएगा। तो यहां पर जो है अगर आपको स्टार्च चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए, आपको फार्मास्यूटिकल यानी कोई मेडिसिन चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन जस्ट ग्रो दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड आफ्टर दैट यू कुड जस्ट आइसोलेट द केमिकल्स विच यू वॉन्ट टू यूज। तो टेलर मेड प्लांट्स का मतलब वो ज्यादा वो चीजें बनाएंगे जिसकी आपको जरूरत है, आपने उस प्लांट को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो आपकी जरूरत की चीज ज्यादा बनाए और बची हुई चीजों को थोड़ा सा स्टेक पे लगा दे। ओके, चलिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब हमने देखा कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में आपको बाहर से पेस्टिसाइड नहीं डालने पड़ते, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं? तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है आपके बायो पेस्टिसाइड के तौर पर एक्ट करते हैं।
यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट ये अनमोल रत्न हैं जिनमें आपको पेस्टिसाइड बाहर से नहीं डालने पड़ते। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो जरूरत है ये रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपका बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, बीटी राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, इन सब के अंदर क्या होता है आपका बीटी का मतलब क्या रहता है? बीटी मतलब एक बैक्टीरिया से लिया हुआ जीन है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजियंसिस, जिसको आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। सो बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है मेरे दोस्त, यहां पर ये आपका बीटी कहलाता है। तो ये बीटी वाला जीन जब आपने कॉटन में डाला तो कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट पहले आकर के इसकी यील्ड को कम कर रहे थे, अब वो कम नहीं करेंगे। जब आपने इसे टोमेटो के ऊपर डाला तो टोमेटो में जो भी आपका बीमारी कॉज करने वाले इंसेक्ट थे वो अब नहीं आएंगे। पोटैटो में भी आप डाल सकते हो, एंड सिमिलरली आप कॉर्न में भी डाल सकते हो, बैंगन वगैरह में भी डाल सकते हो। तो बीटी ब्रिंजल भी अभी आपका उगाया जाने लग गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं दैट इज बीटी कॉटन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पर जानोगे। तो बीटी कॉटन जैसा कि मैंने बताया इट इज द स्टैंडर्ड एग्जांपल, तो इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्ट से कॉटन को किस प्रकार से बचाएगा आपका बीटी टॉक्सिन। तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस हैव प्रोटीन्स दैट किल इंसेक्ट लाइक कॉलियोप्टेरेंस, जैसे कि आपके बीटल्स वगैरह को मार देगा, लेपिडोप्टेरेंस जैसे कि आपका टोबैको बडवॉर्म को और आर्मी वॉर्म को मार देगा, एंड डिप्टेरेंस जिसमें आपके फ्लाइज और मॉस्किटो या फिर जनरल इंसेक्ट आते हैं। यानी कि बैसिलस थुरिंजियंसिस नाम के बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो प्रोटीन अगर आपके इंसेक्ट ने खा लिया तो वो खत्म हो जाएगा। कौन कौन से इंसेक्ट खा सकते हैं इसे? कॉलियोप्टेरा, जिसके अंदर आपके बीटल्स आते हैं, इट इज द यू नो ग्रुप ऑफ बीटल्स। देन आपका लेपिडोप्टेरा जिसमें टोबैको बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म आते हैं, एंड आपका डिप्टेरा जिसके अंदर बेसिक फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं। अगर इनको खा लिया, मतलब इन्होंने खा लिया अगर बीटी टॉक्सिन को, तो इनकी गट में छेद होने लग जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल बी किल्ड। सो बैसिलस थुरिंजियंसिस जिसके यू नो आपके इनिशियल अल्फाबेट्स क्या है? बी और टी, इसीलिए इसे बीटी कहा जाता है। ये आपका एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं जिसको बीटी टॉक्सिन कहा जाता है। क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, यानी ये हमेशा नहीं बनाते रहते बीटी टॉक्सिन, ये अपनी लाइफ के, ये बैक्टीरिया अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज में क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देता है जिसको आप बीटी टॉक्सिन बोलते हो। अभी बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया पर खुद क्यों नहीं अटैक करता? क्योंकि ये प्रोटोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन होते हैं। ओके, तो ये बैसिलस को क्यों नहीं किल करता? क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये आपके इंसेक्ट में जाने के बाद ही, जब वहां पर इंसेक्ट के गट के अंदर आपको बेसिक पीएच मिलेगा, सिर्फ तभी एक्टिवेट होंगे, उसके अलावा एक्टिवेट नहीं होंगे। राइट, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रोटॉक्सिन थे ये आपके बन गए इन द बैसिलस। अब समझो कि यहां पर आपके इंसेक्ट ने खा लिया है इस बीटी टॉक्सिन को। देखो क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करो, मैं एक खाली स्लाइड ले लेता हूं, उसमें मैं आपको समझा देता हूं सारा का सारा कंसेप्ट, एंड आफ्टर दैट हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द थ्योरी। देखो ये आपका एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका जो जेनेटिक मटीरियल था इसमें एक जीन है जिसका नाम है बीटी जीन, लेट्स से। ओके, वैसे इन्हें क्राइजीन बोला जाता है, थोड़ी देर के लिए बीटी जीन बोल के समझ लो जिससे कि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि अभी हमने क्राइजीन का नाम नहीं देखा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये जो है आपके बीटी जीन है, समझ लो ये आपका क्या बनाता है? बीटी टॉक्सिन बनाता है, बीटी टॉक्सिन बनाता है। अगर ये आपका बीटी टॉक्सिन बनाता है तो आपने क्या किया, इस जीन को यहां से उखाड़ा और आपने इस जीन को प्लांट के अंदर डाल दिया। तो अब जो आपका प्लांट का सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें आपके नॉर्मल जीन्स के साथ साथ अब कौन सा जीन है, अब आपका बीटी का जीन भी है। तो ये बीटी का जीन यहां पर एक्सप्रेस होगा। समझ लो एक इंसेक्ट आया और उसने इस प्लांट के सेल को खाया, अगर उसने पूरे सेल को खा लिया तो ये बीटी का जीन जिसने बीटी प्रोटीन बना लिया था या बीटी टॉक्सिन बना लिया था, ये भी आपका इंसेक्ट के अंदर चला गया है। अगर आपका बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर चला गया है तो ये इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, सबसे पहले तो ओरल कैविटी में पहुंचेगा, देन गट में पहुंचेगा। वहां का जो अल्कलाइन पीएच है मेरे दोस्त, वो अल्कलाइन पीएच एक्टिवेट कर देगा इस बीटी टॉक्सिन को। तो जो बीटी टॉक्सिन पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, प्रोटॉक्सिन से इसको क्या कर देगा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करने लग जाता है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट का उसमें छेद करने लग जाता है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल की लाइसिस कर देता है और इंसेक्ट की हो जाती है डेथ। और एक दो बार अगर इंसेक्ट मरा तो उसे पता लग जाता है कि भाई इस चीज से पंगा नहीं लेना है, तो अपनी क्या करता है, अपनी औकात में रहता है और जो आपका पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है इसके साथ पंगे नहीं लेता।
सो एक इंसेक्ट जब इंजेस्ट करता है इस इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो ये आपका एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। तो गट के अंदर जो आपका यूजुअली मिड गट होता है, इसमें आपका जब अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो ये आपका सोल्यूबलाइज कर देगा इन क्रिस्टल्स को। यानी जो आपका क्रिस्टल बना रहा था आपका बीटी टॉक्सिन, तो वो जो क्रिस्टल थे वो सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, तो उसके अंदर से आपका जो मेन टॉक्सिक कंपाउंड है वो बाहर आ जाएगा। तो ये टॉक्सिन जो है आपका मिडगट के सरफेस से, जैसा मैंने आपको बताया, इस मिडगट के एपिथेलियल सेल सरफेस से बाइंड कर लेगा और इसके अंदर पोर क्रिएट कर देगा, छोटे छोटे छेद क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आपके सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी और आपकी लाइसिस हो जाएगी पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के एलिमेंट्री कैनाल में अगर आपका सेप्सिस हो गया है तो उसकी डेथ पक्की है, तो इंसेक्ट की भी आपकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर देखो जो बीटी है इसने क्या बनाया, आपका बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल बनाया। आप देखो ये हीरे जैसा है, राइट, ये प्रोटीन है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। अब आपको इसको फोड़ना पड़ेगा, ये जो कैप्सूल है, जैसे कैप्सूल्स होती है ना आपकी, उनका कवर जब डिसॉल्व होता है आपकी बॉडी में जाकर के, तब उसके अंदर की मेडिसिन रिलीज होती है। जो कैप्सूल है इट इज नॉट इटसेल्फ अ मेडिसिन, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन भरी रहती है। तो यहां पर भी ये जो आपका टॉक्सिन है, जब आपने इस टॉक्सिन के जीन को बीटी कॉर्न या बीटी कॉटन में डाला और इसको जब इंसेक्ट ने खा लिया, तो ये क्रिस्टल आपके यहां पर जाएंगे इनिशियल पार्ट में, जहां पर बेसिक पीएच नहीं है तो इस टॉक्सिन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहां पर भाई ये मिड गट में जाके सोल्यूबलाइज हो गए। अगर ये सोल्यूबलाइज हो गए तो एक्चुअल टॉक्सिक प्रोडक्ट आपका बाहर निकला और इसने क्या कर दिया, मिड गट के एपिथेलियल सेल पर अटैक कर दिया और इसको ये दोनों तरफ से क्या करना स्टार्ट कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा और इसमें छेद कर देगा, एलिमेंट्री कैनाल की लाइसिस हो जाएगी एंड अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा इंसेक्ट का। तो यहां पर देखो मिडगट के जो सेल्स है इसके ऊपर आपका टॉक्सिन जो मोनोमर है ये जाकर के बाइंड कर गया। यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इस प्रोटीन को रिसीव कर लेते हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए स्पेसिफिकली मिडगट पर ही अटैक करेगा क्योंकि यहीं पर आपके प्रोफाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब यहां पर ये जो रिसेप्टर है ये आपका एक टॉक्सिन ओलिगोमर बना लेगा, यानी आपका जो मोनोमर था टॉक्सिन की जो एक यूनिट थी, ये काफी सारे टॉक्सिन अटैच हो जाएंगे और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक आपका किसी चीज को खोदने के लिए जैसे आप छैनी रखते हो और फिर हथौड़ा मारते हो, तो अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक छैनी जैसा आकार ले लेते हैं और ये मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि ये यहां पर है, ये रेड कलर वाला, ये आपके इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा और मेम्ब्रेन में जब ये आपके घुस गए हैं इस प्रकार से, तो मेम्ब्रेन में हो जाएगा छेद और सेल आपके हो जाएंगे खत्म, राइट, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, यानी आपका सेप्सिस हो जाएगा और लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे इसके बाद। Alright, so I hope this is clear to you guys. अब देखो बीटी टॉक्सिन जीन्स जो है ये आपके बेसिलस थुरिंजियंसिस नाम के बैक्टीरिया से लिए गए हैं एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप सच एज कॉटन, और इनको एक्सप्रेस करा दिया है कॉटन के अंदर। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी जो बीटी टॉक्सिन्स हैं ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, सभी इंसेक्ट पर अटैक नहीं करते, राइट? तो अगर आप कॉर्न के अंदर ये एंटर करा रहे हो तो स्पेसिफिक कॉर्न के जो आपके पेस्ट हैं सिर्फ आप उन्हीं को मारोगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। कि समझ लो आपके इंसेक्ट हैं ए बी और सी, समझ लो ये जो है ये डाकू का काम करता है, ए जो है ये आपके कॉटन को हार्म पहुंचाता है, लेकिन जो बी और सी हैं ये आपके शरीफ मानुस है, राइट, ये आपका किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। तो आपका जो बीटी टॉक्सिन है स्पेसिफिकली ए को किल करेगा, ये आपके बी और सी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, कि ये स्पेसिफिकली उन्हीं इंसेक्ट को मारेगा जो कि बुरे हैं। क्योंकि अगर हम सब इंसेक्ट को मार देंगे सिर्फ क्रॉप को बचाने के चक्कर में, तो इकोसिस्टम भी तो डिस्टर्ब होगा ना। जितना इंसेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम इंसेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत बड़े, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, हम लोग लैपटॉप चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, तो हम लोगों ने कुछ अलग उखाड़ दिया है दुनिया में आकर के। वी आर सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है मेरे भाई, राइट? ये हमें भगवान से मिला है। अगर किसी और को मिला होता तो आज वो हमसे ज्यादा एडवांस होता। लेकिन एक इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जितना रोल एक हनी बी का है, जितना रोल एक एंट का है, हमारा रोल भी उतना ही है, राइट? तो इसीलिए आइंस्टीन साहब ने कहा था कि जिस दिन हनी बी आपकी गायब हो जाएंगी इस अर्थ पे से, उसके कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपके सारे ऑर्गेनिजम्स गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी एक हनी बी की भी अगर आप एक इंपॉर्टेंस देखो, एंट की भी अगर आप इंपॉर्टेंस देखो, तो वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था बीटी जीन, मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि ये एक्चुअली क्राय जीन है जिसको हम बीटी बोल के समझ रहे। तो ये जो टॉक्सिन को बनाने वाला जो जीन है एक्चुअल में, ये आपका इसका नाम क्राय है। और ये क्राय अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्राय 1AC और क्राय 2AB। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं,
यानी ये वाले दो जीन्स जब एक्सप्रेस होंगे तो ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो कि कॉटन बॉलवर्म को मार दे, राइट। तो ये स्पेसिफिकली कॉटन में काम आते हैं। एंड देन आपका क्राय वन ए बी जो है ये आपका कॉर्न बोरर में काम आएगा, यानी कॉर्न बोरर से आपको बचा लेगा या फिर आपके कॉर्न प्लांट को बचा लेगा। तो यहां पर नाम देखो यार किसका छोटा है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक भी बता देता हूं आप लोगों को मैंने कैसे याद किया था। तो जो कॉर्न बोरर है इसका नाम छोटा है, कॉर्न बोरर, दोनों ही चीजें छोटी हैं। एंड कॉटन बॉलवर्म इसका नाम आपका बड़ा है, कॉटन का भी नाम कॉर्न से बड़ा है और बॉलवर्म का नाम भी आपका बोरर से बड़ा है। तो यहां पर तीन चीजें हैं, क्राय के बाद आपका अल्फाबेट्स है दैट इज ए बी सी एंड आपके नंबर है 1 और 2, राइट। तो इनमें से सबसे छोटी चीजें कौन सी हैं, राइट, इनमें से सबसे छोटी चीजें आपकी अल्फाबेट ए बी और 1। तो यहां पर आपका कॉर्न बोरर जिसका नाम छोटा है इसमें आपका जीन भी छोटा लगेगा, दैट इज क्राय 1 ए बी, राइट। इनिशियल दो छोटे छोटे अल्फाबेट और नंबर भी आपका छोटा वाला। लेकिन अगर एक भी चीज बड़ी हो गई है यानी या तो सी आ गया है नाम में या फिर 2 आ गया है तो आप इसे कॉटन बॉलवर्म की कैटेगरी में ले लोगे। जैसे आपका समझ लो यहां पर आ गया है क्राय 2 आ चुका है तो बड़ा नंबर आ चुका है, इसके बाद आप ए बी लिख दो, या फिर अगर आपका क्राय 1 है छोटा नंबर है तो यहां पे आप ए के साथ सी लिख दो तो ये वाला आपका बड़ा हो गया, यहां पर ये वाला बड़ा हो गया। तो ये कॉटन बॉलवर्म से रक्षा करेगा आपके प्लांट के, ओके। तो इस चीज को गौर से देखो दोबारा, यहां पर देखो क्राय 1 ए सी सी आ गया यहां पर और क्राय 2 ए बी 2 आ गया यहां पर, तो ये दोनों तो कॉटन बॉलवर्म में काम करेंगे और कॉर्न बोरर में सारी चीजें छोटी हैं, क्राय 1 ए बी, एज सिंपल एज दैट। तो आप जीन्स के नाम इस प्रकार से याद कर सकते हो, मैंने खुद ऐसे याद किए थे और मुझे हमेशा याद रहते हैं, सो आई थिंक दिस इज यू नो बेनिफिशियल इनफ टू बी अंडरस्टूड। बाकी आपको डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ऐसी कोई यार कंपलसेशन नहीं है कि तुम्हें ट्रिक लगानी ही है, देयर इज नो सच कंपलसेशन, ओके। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो कि पेस्ट से आप लोगों को बचाते हैं, ओके। नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट, ओके, नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। तो नेमाटोड जो है इनसे आपके टोबैको प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा नॉवल स्ट्रेटेजी है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया और माय मॉम हैज जस्ट गिवन मी एन इंडिकेशन, तो मैं क्लास के बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं और फिर मिलता हूं आप लोगों से, अभी पीएचडी क्लास से चलता हूं। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग बात करने वाले थे अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जो बेसिक इंटरप्रिटेशन है उसको पहले जान लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग एक खाली स्लाइड लेकर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो नेमाटोड जो है अलग अलग प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन जो इन्फेस्टेशन देखी गई है वो टोबैको प्लांट्स में देखी गई है। इनकी ईल्ड बहुत कम हो जाती है अगर नेमाटोड इनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो। सो टू प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट फ्रॉम द नेमाटोडियल इन्फेक्शन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रेटजी, और उसको आप आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी या फिर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कह सकते हैं। सो एक नेमाटोड है जिसका नाम है मिलोडिजिनी इनकग्निशिया। सो ये मिलोडिजिनी इनकग्निशिया रूट ऑफ टोबैको को इन्फेक्ट करता है और रिडक्शन कर देता है ईल्ड में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करता है दैट इज टोबैको और कौन से प्लांट पार्ट को इन्फेक्ट करता है दैट इज रूट, राइट। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक नॉवल स्ट्रेटजी है जो कि इस इन्फेस्टेशन को रोकती है यानी कम करती है। क्यों? क्योंकि बीमारी होती किस वजह से है, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, समझ लीजिए COVID-19 की अगर हम बात करें क्योंकि जनरल सिनेरियो में वही चल रहा है तो ये यू नो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब COVID-19 वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल आप लोगों के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, यानी समझ लीजिए COVID-19 ने अपना आरएनए जो है आपके सेल के अंदर छोड़ दिया, देन दैट आरएनए इज गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोटीन, यानी वो आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और तब जाके आपके शरीर में बीमारियां पैदा होना स्टार्ट होगी। सेम केस दुनिया के हर पैथोजन के साथ भी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो बैक्टीरिया खुद अपने आप को ग्रो कराने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने के लिए, परपेचुएट कराने के लिए खुद के जीन्स को एक्सप्रेस करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन बनते हैं जो कि आपकी बॉडी में झमेला क्रिएट करते हैं। सेम उसी प्रकार का झमेला किसने क्रिएट किया है, आपका नेमाटोड ने। लेकिन इस नेमाटोड का जो झमेला है इसको हम रोक देंगे बाय इंटरफेयरिंग विद इट्स आरएनए, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि क्रिक साहब ने दिया था, इन्होंने कहा था कि डीएनए आपका डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो सकता है बाय डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए आपका आगे चल के आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ये आरएनए आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ये बातें हम जानते हैं। अगर मैंने इस आरएनए को ही क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, यानी इस पॉइंट पर अगर मैंने इस प्रोसेस को रोक दिया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा।
अगर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो इन्फेक्शन ही नहीं हो पाएगा, एंड इफ देर इज नो इन्फेक्शन तो किस बात की प्रोटेक्शन। इसका मतलब हमने पैथोजन को ऑलरेडी हरा दिया है, हमने उसे आरएनए के लेवल पर ही रोक लिया है। दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस, राइट। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का इन ऑल यूकैरियोट, क्योंकि हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाती है जहां पर आप आरएनए को इनहिबिट कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, यानी ये आरएनए को क्या कर देता है? साइलेंस कर देता है, यानी आरएनए जो आगे चल के ट्रांसलेट करने वाला था वो अब ट्रांसलेट नहीं करेगा। इसे आप कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग या फिर जीन साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। तो यहां पर हुआ क्या, ये समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इस बात को समझना होगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता है। आपको क्या करना है, आरएनए को इंटरफेयर करना है। समझ लीजिए आपका मेलोडी जीनी इनकग्निशा का ये डीएनए, ये डीएनए आपके प्लांट के अंदर गया। अगर ये डीएनए प्लांट के अंदर गया तो इस डीएनए ने क्या बना लिया, अपना एक आरएनए बना लिया। और अगर ये आरएनए बन गया है तो आरएनए आगे चल के क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। इस प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कीम को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आपके क्रिक साहब ने प्रपोज की थी। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बीच का कोई प्रोसेस आप लोग स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करके ही प्रोटीन बनाना पड़ता है। नाउ यहां पर ये जो आरएनए बना, आप इस लेवल पर इस आरएनए को इनहिबिट करना चाहते हैं, कैसे करोगे? इस आरएनए के पास एक और स्ट्रैंड भेज दीजिए जो कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आरएनए को प्रोटीन बनाना है तो इट नीड टू बी रेड प्रॉपरली, और ये पढ़ा कब जाएगा, जब मेरे दोस्त इसके कोडॉन्स एक्सपोज होंगे। और इसके कोडॉन्स एक्सपोज कब होंगे, जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। लेकिन अगर यहां पर आपने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहां पर लगा दिया है और आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका है, तो आप इसके कोडॉन्स को कभी नहीं पढ़ सकते। और अगर आप इसके कोडॉन्स को नहीं पढ़ सकते, देन अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि इसका आरएनए हो चुका है साइलेंट। इसे आप क्या कहते हो, आरएनए साइलेंसिंग कहते हो, या फिर आप इसे आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हो, क्योंकि आपने आरएनए को इस लेवल पे क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। तो अब ये जो दूसरा आरएनए है, ये स्ट्रैंड, ये कहां से आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहां से आया, उसके बारे में हमको अगली स्लाइड पर चलना पड़ेगा, जिससे हम इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ सके। अब द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिनको आप ट्रांसपोजोम कहते हो, दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और यूजुअली समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा, समझ लीजिए, दिस इज एन आरएनए मॉलिक्यूल, दिस इज एन आरएनए मॉलिक्यूल दैट नीड्स टू बी इनहिबिटेड। अब इस आरएनए को आपको इनहिबिट करना है, डन। इस आरएनए को आपको इनहिबिट करना है, कैसे इनहिबिट करोगे मेरे दोस्त, आपको एक और आरएनए चाहिए जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिससे कि आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना पाओ। तो आरएनए कहां आएगा, या तो वो आरएनए आएगा आपका फ्रॉम एन आरएनए वायरस, यानी जो आपका आरएनए वायरस है ये अपना सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम आपको दे दे जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो ये यहां पर जाकर बाइंड कर सकता है और आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है। या फिर आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ओके, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल के जाने वाले, इनको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोजोम भी बोलते हो, ओके। अगर बायोलॉजी में कोई बहुत बड़ी फीमेल साइंटिस्ट हुई है जिनका नाम लिया जाता है बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ कि हाँ इन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, दैट इज बारबरा मैक क्लिंटॉक। तो मैम जो थी बारबरा मैक क्लिंटॉक, इन्होंने मेज के अंदर, राइट, इन ट्रांसपोजोम को सबसे पहले देखा था, और इन्हें इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो बारबरा मैक क्लिंटॉक मैम जो थी, इन्होंने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स देखे, यानी समझ लीजिए ये आपका कोई डीएनए है बहुत बड़ा है, राइट, इसमें आपका एक स्पेसिफिक जीन में मेंशन कर देता हूं, लेट से दिस इज योर जीन एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, राइट, दिस पर्टिकुलर जीन कैन बी क्लीव्ड फ्रॉम दिस प्लेस एंड इट कैन गो टू दिस प्लेस एज वेल, राइट, यानी ये अपनी जगह को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई इसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहा। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपके सीधे सीधे ट्रांसपोजोम्स, कि इन्होंने क्या किया, समझ लीजिए एक डीएनए है, राइट, एक डीएनए है, एक होता है आपका नॉर्मल ट्रांसपोजोम। यहां पर ये जो डीएनए था इसकी दो कॉपीज बनी, ओके, तो डीएनए था, इसने एक और डीएनए की कॉपी बनाई और ये दूसरी जगह पर भी जाकर चिपक गया, तो दिस इज नॉर्मल ट्रांसपोजोम। लेकिन एक होता है आपका रेट्रो ट्रांसपोजोम, एक होता है आपका रेट्रो ट्रांसपोजोम।
रेट्रो ट्रांसपोजोम क्या करता है, यहां पर देखो मेरे भाई, आपने डीएनए से डीएनए बनाया और उसको यहां पर पहुंचा दिया कॉपी बना करके, लेकिन काफी बार क्या होता है, ये जो डीएनए है राइट, ये जो डीएनए है इसको आप पहले ट्रांसक्राइब कराते हो, एमआरएनए बनाते हो, फिर इस एमआरएनए को आप क्या करते हो, दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट करते हो बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आप इसे नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराते हो दूसरी जगह के ऊपर। यानी ये क्या करता है, एक आरएनए इंटरमीडिएट बनाता है बीच में, इसीलिए इसे क्या बोला गया, रेट्रो ट्रांसपोजोन बोला गया, क्योंकि डायरेक्टली डीएनए से डीएनए ना बना करके डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, ओके, विच इज स्टिल अननोन कि ऐसा क्यों करता है, कभी पता लगेगा तो आई विल लेट यू नो। तो यहां पर ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन होता है, इसका आरएनए भी यहां पर आ सकता है। देखो यार कितनी गंभीर बात कही गई है एनसीईआरटी में, कितनी सरलता से कि हाँ यार ट्रांसपोजोन जो है वो आकर के आरएनए दे सकता है, लेकिन ट्रांसपोजोन होते क्या है, नॉर्मल ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, उनके अंदर आरएनए इंटरमीडिएट बनता है जो कि जाकर के बाइंड कर सकता है आरएनए को इंटरफेयर करने के लिए। सो दैट इज अ वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए, सो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, अ नेमाटोड स्पेसिफिक जीन और डीएनए वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। यानी आपके एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज करके, जो कि हमने पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए एक डिसआर्म्ड पैथोजन, तो आपने क्या किया, उसको इस्तेमाल कर लिया, राइट, एंड आपने उस वेक्टर का इस्तेमाल करके और डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है इनटू द होस्ट प्लांट, यानी आपके टोबैको प्लांट के अंदर। इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों के दोनों यहां पर बन चुके हैं, यानी आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बन चुका है, कोडिंग स्ट्रैंड भी बन चुका है, जो कि आप नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो। तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड अगर दोनों होस्ट सेल के अंदर बन चुके हैं तो क्या ये आपका ट्रांसलेशन कर पाएंगे, द आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपके बन चुके हैं तो दोनों आपस में ही बाइंड कर जाएंगे, एंड इट विल नॉट क्रिएट अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट, और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है तो आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सो दीज टू आरएनएज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयार कर लेते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर तैयार हो चुके हैं तो आरएनए इसका मतलब इंटरफेयर हो चुका है, और नेमाटोड इन्फेक्शन से आपने अपने प्लांट को बचा लिया है, टोबैको को आपने बचा लिया है। So thus parasite cannot survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA. यानी अगर आपका जो टोबैको है उसके अंदर आप RNA interference technique को involve कर देते हो, और आप अगर sense और antisense RNA strand तैयार कर देते हो, तो दोनों साथ में bind कर जाएंगे, double stranded RNA तैयार हो जाएगा, and ultimately the answer is going to be no translation. वहां पर कोई translation नहीं होगी, तो pathogenicity जो है खत्म हो जाएगी आपके nematode की, यानी ultimately आपने plant को बचा लिया है। तो यहां पर देखिए आपकी ग्रोथ काफी कम है इस केस में, अगर आप ये बी केस देखें तो यहां पर ग्रोथ काफी कम है टोबैको की, जबकि आप ए केस में देखें तो टोबैको की रूट की जो ग्रोथ है ये अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, यहां पर ब्रांचिंग आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। सो अगर आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी आपने यहां पर अप्लाई कर दी है तो ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, और अगर आपका नेमाटोडियल इन्फेक्शन है और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक आपने ठीक से इनकॉर्पोरेट नहीं कराई है तो आपकी जो रूट है वो पतली हो जाएगी और यील्ड जो है टोबैको की वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी तक तो हमने एग्रीकल्चर में देखा, अब एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा, देर आर वराइटी ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको आगे भी सीखने को मिलेंगी कुछ खास चैप्टर्स में, जैसे कि स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जब भारत में हरित क्रांति चल रही थी, यानी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रही थी, तो हमने देखा कि जो ओवरऑल फूड डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फूड की फॉर्मेशन या फिर ग्रेन का प्रोडक्शन काफी कम था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इनटू प्ले तो इसने इंडिया में जो फूड बन रहा था उससे 3 गुना ज्यादा जो है फूड उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने में हमें मदद की, और किस हिसाब से ये प्रोडक्ट्स आपके तैयार हुए, किस हिसाब से आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ी, ये क्रॉप यील्ड बढ़ी क्योंकि आपकी मैनेजमेंट बेटर हो चुकी थी, ओके, आपकी मैनेजमेंट बेटर हो चुकी थी। मैनेजमेंट बेटर होने का मतलब आप लोगों ने लॉस को कम कर दिया था, दैट इज द स्ट्रेटेजी। वहां पर आपने लॉस को कम किया था, आपने कोई नई वैरायटी नहीं उगाने की सोची थी, सो मेजरली आपका जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज था दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन लॉसेस, और एक दो नई वैरायटीज आई थी। अगर उस टाइम पर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को यूज करते तो दौर कुछ और होता। अभी आज हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज है, हम उसे 1960 में इंप्लाई करते थे, देन शायद हम लोग एक अलग पोजिशन पे होते, क्योंकि उस टाइम जो वैरायटीज थी उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैरायटीज हमारे पास आज के दिन में है, राइट। सो एप्लीकेशन इन मेडिसिन पे आ जाते हैं,
All right. So recombinant DNA technology helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. यानी ऐसे ड्रग्स हम बना सकते हैं जो कि ज्यादा सेफ हो, जो कि चीप भी हो, एज वेल एज इनका बहुत बड़ा स्टॉक हम एक बार में क्रिएट कर सके। ये कैसे होता है? इनको करने के लिए एक सिंपल प्रोटोकॉल है। बायोरिएक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया जिससे कि एक बार में बहुत ज्यादा मेडिसिन हो जाए, हमारे पास बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन हो जाए किसी भी चीज का। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ड्रग्स हमारे काम की है क्योंकि किसी ना किसी बीमारी को ये ठीक कर रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जीरो है। अगर आप नॉर्मल ड्रग की बात करते हो तो दे डू हैव साइड इफेक्ट्स, लेकिन अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से खुद के ही प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी का ही एक इंपॉर्टेंट केमिकल है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंसुलिन मेरी बॉडी में नॉर्मली भी मिलता है। ओके, बिकॉज माय बॉडी हैज अ जीन दैट सिंथेसाइजेस इंसुलिन। तो अगर मैं इंसुलिन बाहर से भी लूंगा जो कि किसी ह्यूमन सेल से ही डेराइव है, जिसका अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम है, तो मेरी बॉडी उसे मना नहीं करेगी अंदर आने से, क्योंकि उसे लगेगा कि ये सेल्फ प्रोटीन है। सो अल्टीमेटली वो मेरी बॉडी में बेहतर तरीके से एक्ट करेगा एंड इट विल क्रिएट फ्यू और नन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, राइट? सो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डज नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। इंसुलिन का एग्जाम्पल यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट है। जब किसी बंदे को डायबिटीज होता था और पहले आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस नहीं थी, तो स्लॉटर के पास जाकर के पिग्स या फिर कैटल के पेनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था और उस इंसुलिन को इस्तेमाल किया जाता था फॉर आवर ओन यू नो ट्रीटमेंट। लेकिन वहां पर अलग अलग एनिमल्स में एक दो अमीनो एसिड की म्यूटेशन हो जाती है, तो इंसुलिन तो उनका भी हमारी बॉडी के अंदर काम कर जाएगा लेकिन उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। समझ लो कि मैंने किसी कैटल का इंसुलिन अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया एंड नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माई ओन प्रोटीन। अगर समझ लो एक भी अमीनो एसिड का फर्क है तो मेरी बॉडी तो उसे फॉरेन प्रोटीन कंसिडर करेगी ना। मेरी बॉडी को ऐसा लगेगा, मेरे इम्यून सेल्स को ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। इसका मतलब इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम ट्रिगर किया तो या तो उस एंटीजन की धज्जी उड़ा देगा, यानी या तो फिर उस यू नो इंसुलिन को मेरी बॉडी में काम नहीं करने देगा। और तब भी अगर मैं इंसुलिन के डोजेस लेता रहा तो हाइपर सेंसिटिविटी के कारण या फिर आपके काफी सारे एलर्जिक रिएक्शंस के कारण मैं खुद बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाऊं। सो ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस काफी बार देखने को मिले हैं अगर आप नॉन ह्यूमन सोर्सेज से इंसुलिन डिराइव करते हैं तो, जो कि पहले काफी साल तक किया भी जा रहा था। इसीलिए एक नीड पैदा हुई कि हम ह्यूमन का इंसुलिन लेकर ही ह्यूमन के अंदर डालें। तो हमने सोचा यार पेशेंट का जीन लो, पेशेंट का जीन अगर काम कर रहा है इसे एक्सप्रेस करा दो इनटू द बैक्टीरिया एंड आफ्टर दैट जस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस इंसुलिन आउट ऑफ इट। उस इंसुलिन को एक मास यू नो में बनाओ, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी बनाओ सो दैट अदर पेशेंट्स कुड आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ इंसुलिन व्हिच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन देयर बॉडी बिकॉज इट इज देयर ओन प्रोटीन बेसिकली। ये जो इस बार मैंने इंसुलिन ली है दिस इज माई ओन प्रोटीन, आई कांट यू नो डिफेंड माई बॉडी फ्रॉम इट बिकॉज वो मेरी बॉडी के अंदर कोई गलत रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आपके मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से 12 से भी ज्यादा आपके इंडिया के अंदर फिलहाल कमर्शलाइज्ड किए जा चुके हैं और आप इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, इंक्लूडिंग द रिकॉम्बिनेंट ऑफ ये आपका इंसुलिन। अपोलॉजीज फॉर दैट। ओके, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अब मेडिसिन किस किस प्रकार से बन सकती है और कौन कौन सी मेडिसिन आपको देखने को मिलती है विच इज फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको समझना है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं पहले भी और अभी भी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कुछ नई बातें हैं जो कि हमें देखनी है रिगार्डिंग ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, रिगार्डिंग प्रो इंसुलिन एंड द मैच्योर्ड इंसुलिन, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन दोज चेन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन दोज चेन्स, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देन जीन थेरेपी क्या होती है, राइट? यहां पर हम एडीए की बात करेंगे, ओके, एडिनोसिन डीएमिनेज की बात करेंगे। देन यहां पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि पीसीआर वगैरह किस हिसाब से हेल्प करता है आपको डिजीज की डायग्नोसिस करने में, एलिजा किस प्रकार से हेल्प करता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर ऑन इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के किस हिसाब से तैयार होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंसुलिन तैयार करनी है ह्यूमन की तो आपको ह्यूमन का एक जीन लेना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन का सेल है। अब ह्यूमन के सेल के अंदर काफी सारे क्रोमोसोम हैं, यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, बिकॉज 46 दिखाकर भी कोई फायदा नहीं है, बात समझनी होगी हमें, हम दो में भी समझ लेंगे। तो ये आपके ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट था, राइट? इस डीएनए से हमने क्या निकाला, इंसुलिन निकाला, ओके? इंसुलिन का जो जीन था ये निकाल लिया। सो दिस इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, या इंसुलिन का जीन हमने यहां पर निकाला।
दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने क्या किया, हमने यहां पर एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड निकाला जिसको आप जीन टैक्सी बोलते हो, और इस प्लाज्मिड को भी हमने स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट कह रहा हूं मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, तो यहां पर सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स बन गए. यहां पर भी कुछ स्टिकी एंड बने और यहां पर भी कुछ स्टिकी एंड बने. ये दोनों स्टिकी एंड्स आपके एक जैसे थे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर बैठे और इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल तैयार कर लिया. तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो, इसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हो. यहां पर आपका बैक्टीरिया का और ह्यूमन का जो डीएनए है वो मिक्स हो गया, जो जीन्स है वो मिक्स हो गए. अब आपने इस प्लाज्मिड को इंसर्ट करा दिया है दोबारा इनटू द बैक्टीरियम, तो यहां पर आपके हरे हरे प्लाज्मिड थे और इन हरे प्लाज्मिड के साथ आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी आपको यहां पर देखने को मिल गया, राइट. और फिर यहां पर इसकी क्लोनिंग हो जाएगी, यानी बार 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 ये अपनी कॉपीज बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा एंड काफी सारी कॉपीज बन जाएंगी आपकी इंसुलिन की भी एट द एंड ऑफ द डे. और उस इंसुलिन को आप लोग निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया, उसको प्योरीफाई कर सकते हो, राइट. एंड अल्टीमेटली आप उसे कमर्शलाइज कर सकते हो क्लिनिकल टेस्टिंग्स के बाद. तो इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, यानी ये क्या करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. डायबिटीज जिसको आप शुगर या मधुमेह भी कहते हैं, यानी इस बीमारी के दौरान आपकी बॉडी में या ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में लेकर आने का काम कौन करता है, आपका इंसुलिन, राइट. सो इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स दैट इज कैटल एंड पिग्स कॉजेस एलर्जी एंड अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि जो कैटल और पिग से लिया हुआ इंसुलिन था इसमें एक दो अमीनो एसिड आपके म्यूटेटेड हो सकते हैं या फिर ऑल्टर्ड हो सकते हैं. और अगर आप ऐसा कोई प्रोटीन डाल रहे हो अपनी बॉडी में जिसके प्रोटीन्स जिसके अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी बॉडी के प्रोटीन से अलग है, तो हम उसे फॉरेन एंटीजन कंसिडर करते हैं. तो आपका इम्यून सिस्टम रॉबस्ट है बहुत, एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी उस प्रोटीन के खिलाफ, तो आप एक दो बार तो इंसुलिन ले लोगे, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी में पड़ी हुई जो एंटीबॉडीज हैं, जो आपके हथियार हैं, वो अगली बार उस प्रोटीन को देखते हैं उसके ऊपर हमला कर देंगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस इंसुलिन सेवरल टाइम्स. और अगर आप बहुत ज्यादा डोज लेने की कोशिश करोगे कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंसुलिन आपकी बॉडी तक पहुंच जाए, देन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट एलर्जिक रिएक्शंस इन योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. सो इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया. तो हम लोगों ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ह्यूमन जीन को निकाला, इसे बैक्टीरिया के अंदर डाला और यहां से हमने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, राइट. चलिए अब देखते हैं कि यहां पर इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इंसुलिन जो है ये आपके दो छोटी छोटी चेन से बना होता है जिनको आप पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हो. जैसे दो अमीनो एसिड अगर जुड़े हुए हैं साथ में तो इसे आप क्या बोलते हो, दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे आप डाइपेप्टाइड बोलते हो, तीन अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं ट्राइपेप्टाइड बोलते हो, चार जुड़े हुए हैं टेट्रापेप्टाइड, देन पेंटापेप्टाइड एंड सो ऑन. इस हिसाब से आप बोलते हो इन पेप्टाइड चेन्स को. सिमिलरली अगर आपके 12, 15, 18 या फिर उससे ज्यादा पेप्टाइड्स अगर जुड़े हुए हैं देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. सो यहां पर दो चेन्स होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है. तो यहां पर देखो मेरे दोस्त, दो तरीके के डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक जो आपके चेन ए को चेन बी से कनेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला, ये देखो ये वाला चेन ए से निकल रहा है और चेन बी तक जा रहा है, तो इसे आप क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको आप बोलते हैं इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटर चेन, क्योंकि दो अलग अलग चेन्स को कनेक्ट कर रहा है. और एक है आपका मेरे दोस्त, ये चेन ए से निकल रहा है और चेन ए में ही जा रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सेम चेन के अंदर ही प्रेजेंट है, ये इंट्रा हो गया. तो दोनों देखने को मिलते हैं आपको इंसुलिन में, इंटर भी और इंट्रा भी. तो जो आपकी ए चेन है ये 21 अमीनो एसिड की है, A21 आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, एंड जो आपकी बी चेन है मेरे दोस्त, ये आपकी 30 अमीनो एसिड की है जिसमें B30 आपको दिखाई दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे, राइट. तो यहां पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस मेरे दोस्त बनी रहती हैं जो कि इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. लेकिन इसके साथ जब प्रो इंसुलिन आपका बनता है, यानी जब आपका इनएक्टिव इंसुलिन बनता है, उस टाइम पर चेन सी भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है. सो इन मैमल्स आपका जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे आपके कुछ एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम आपको पता होंगे, जो कि जाइमोजेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी इनएक्टिव एंजाइम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन, उसके पीछे जन लगा हुआ है, इट इज जाइमोजन. तो काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है लेकिन काइमोट्रिप्सिन एक्टिव है, राइट. पेप्सिनोजन इनएक्टिव है लेकिन पेप्सिन एक्टिव है. प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव है लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव है. सिमिलरली प्रो इंसुलिन इनएक्टिव है लेकिन इंसुलिन एक्टिव, राइट. सो इट नीड
प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। यानी जब आपका प्रो इंसुलिन है तो इसके अंदर तीन चेन है, समझ लीजिए, ये वाली आपकी यू नो ए चेन है, ये वाली समझ लो आपकी ए चेन है, ये वाली समझ लीजिए आपकी बी चेन है, ओके यहां तक की। तो ये वाली क्या हो गई मेरे दोस्त, ये वाली ऊपर वाली जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है साथ में, ये वाली आपकी सी चेन हो गई। अब इस सी चेन को हटना पड़ता है, ये जो आपकी सी पेप्टाइड है इसको हटना पड़ता है। तो जब ये आपकी मैचुरेशन फेज में जाएगी तो ये सी पेप्टाइड आपकी हट जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री सी पेप्टाइड। एंड यहां पर आपका ए चेन और बी चेन साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां पर आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो दो कैसे बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं आपके इंटरचेन, राइट, इंटरचेन है, दो चेन्स को कनेक्ट करने वाले, और एक क्या होगा आपका इंट्राचेन होगा, राइट, यानी एक ही चेन के अंदर बॉन्डिंग करवाने वाला। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता कौन है, आपका सिस्टीन बनाता है मेरे दोस्त। मिथायोनिन में बॉन्ड बनाने की जगह नहीं होती बिकॉज उसमें सल्फर टर्मिनल नहीं होता, सिस्टीन जो है इसमें आपका सल्फर एकदम एंड पे प्रेजेंट है, तो दूसरे सल्फर के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, मैं आपको थोड़ी देर में बनाकर भी दिखा दूंगा। तो प्रो हार्मोन जो है इसमें आपका सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपका जब मैचुरेशन होती है इंसुलिन की तो ये सी पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है, अल्टीमेटली सिर्फ आपकी ए और बी चेन साथ में प्रेजेंट होती हुई आपको दिखाई दे जाती है। आप देखो मेरे भाई, यहां पर क्या हुआ, आपके अमीनो एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर तैयार करूं तो आपका सेंटर पे कार्बन प्रेजेंट रहता है, नाम क्या है अमीनो एसिड, तो यहां पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट कर दो, यहां पर एसिड ग्रुप प्रेजेंट कर दो, ऊपर आपका हाइड्रोजन होता ही है, नीचे आपका आर ग्रुप होता है। अगर मैं सिस्टीन बना रहा हूं तो आर ग्रुप क्या हो जाएगा, CH2SH, राइट। तो यहां पर ये जो सल्फर है मेरे दोस्त ये आपका प्रेजेंट रहता है। एक और अमीनो एसिड बना देते हैं सेम इसी प्रकार का, ये आपका SH हो जाएगा, सेम इसी को यू नो मिरर इमेज करके बना दो, ये आपका CH2 देन C देन आपका यहां पर अमीनो ग्रुप हो जाएगा, यहां पर एसिड ग्रुप हो जाएगा, राइट, यहां पर नीचे H हो जाएगा। अब ये जो SH है और ये SH है ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल जाते हैं, और अगर ये वाटर के फॉर्म में निकले तो S और S आपका साथ में कनेक्ट हो जाएगा, इसे आप क्या बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर साथ में जुड़ रहे हैं ना, तो इसे आपने क्या बोल दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल दिया। ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन ही बनाता है, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए, राइट, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में बनता है। इसका प्रूफ क्या है कि आपके H और H वाटर के फॉर्म में निकलेंगे, तो वाटर के फॉर्म में अगर निकलेंगे तो इन्हें एक ऑक्सीजन की तो जरूरत है ही, तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में कभी भी आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पीएच चेंज कर दोगे, एक लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम, राइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम, लेकिन उसका प्रूफ मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं, किसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है, समझ लीजिए मैंने अगर पीएच बढ़ा दिया, यहां पर प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हो गए, समझ लीजिए मैंने पीएच बढ़ा दिया, ओके, या फिर समझ लीजिए मैंने कम कर दिया पीएच, समझ लीजिए एसिडिक कर दिया, तो यहां पर प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, प्रोटॉन बढ़े इसका मतलब एसिडिक पीएच है, राइट। तो यहां पर क्या हो गया मेरे दोस्त, ये प्रोटॉन्स जाकर के एसएच के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा, राइट, सो देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज टू सिस्टीन्स। So there are variety of things that you need to consider. इसीलिए optimum temperature और pH matter करता है, क्योंकि वही आपके bonding को भी regulate करता है, वही आपके 3D structure of a protein को भी regulate करता है. Done? आप देखो मेरे भाई, in 1983 एक company थी जिसका नाम था Eli Lilly, an American company, उसने दो DNA sequence लिए जो कि आपके A chain और B chain of insulin को तैयार कर रहे थे, और इन्होंने plasmid के साथ उन्हें interact करा दिया of E. coli, और आपकी इंसुलिन चेन जो है तैयार करा दी, यानी आपने ए इंसुलिन चेन का अगर जीन लिया है तो वो आपने एक प्लाज्मिड में डाला, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा होगा, ए चेन ऑफ द इंसुलिन। सिमिलरली आपने बी चेन का जो जीन लिया है वो आपने प्लाज्मिड में डाला, उससे जो प्रोटीन बनेगा ये क्या होगा, बी पॉलीपेप्टाइड ऑफ द इंसुलिन। फिर आपने क्या कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया साथ में और इन्हें कंडीशन दे दी ऑक्सीडाइजिंग, जिससे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में बन सके। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका स्पेसिफिक पोजीशन पर ही बनेगा, जहां पर सिस्टीन सिस्टीन है वही साथ में कंबाइन होंगी, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी सीक्वेंस के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, यानी आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा, और वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, राइट। सो आप आर्टिफिशियली लैब के अंदर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो पहली बार जो इंसुलिन बना था इसका नाम क्या दिया गया, ह्यूमुलिन दिया गया, क्योंकि ह्यूमुलिन में ह्यूम का मतलब है क्या, ह्यूमन, एंड इंसुलिन के एंड के जो चार अल्फाबेट है उलिन, इसका मतलब है इंसुलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन को आपने तैयार किया है लेकिन बाहर से,
और इसके पतले पतले इंजेक्शन आते हैं, बहुत अलग से आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही पतली सिरिंज होती है जिसको आप लोग डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एंड ये आपका इंसुलिन के बारे में है कि इंसुलिन किस प्रकार से तैयार किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग या फिर सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जीन थेरेपी, कि जीन थेरेपी क्या होता है। अब आपने काफी सारी थेरेपीज के बारे में सुना होगा, यहां पर हम एंजाइम थेरेपी और जीन थेरेपी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट डायग्नोस इन अ चाइल्ड और एन एम्ब्रियो, यानी किसी बच्चे के अंदर या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर आपको पता लग गया कि बच्चे के किसी जीन के अंदर डिफेक्ट है, यानी बड़ा होते होते बच्चा एक प्रोटीन को नहीं कैरी करेगा और वो प्रोटीन असेंशियल है, तो बच्चे के अंदर बीमारी हो सकती है। समझ लीजिए, एक प्रोटीन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और उस प्रोटीन का जो जीन है वो एक बच्चे के अंदर डिसरप्ट हो चुका है या म्यूटेट हो चुका है। तो आपको ये नॉलेज हो जाती है कि बच्चे के अंदर ये जीन म्यूटेट हुआ है, इसका मतलब बच्चे के अंदर इम्यूनिटी वाला प्रोटीन नहीं बनेगा, तो बच्चा लेस इम्यून रहेगा और उसको पूरी जिंदगी इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ही अर्ली केसेस में डायग्नोस कर लेते हो ऐसी प्रॉब्लम्स को, और बहुत अर्ली केसेस में अगर आप डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीट भी कर पाते हो उन चीजों को, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट। सो इसीलिए कहा जाता है अर्ली टू डायग्नोस अर्ली टू ट्रीट, जितनी जल्दी किसी चीज का डायग्नोसिस हो जाता है उतनी जल्दी उस चीज का उपचार भी शुरू हो जाता है। एक बार अगर आप बड़े हो जाते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उनके अंदर किसी जीन को एक्सप्रेस कराना इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप यू नो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करो, जिस टाइम पे आपके सेल्स बन रहे हैं, अगर उस टाइम पर समझ लीजिए आपका एक सेल आगे चल के 50 लाख सेल बनाता है, तो आपने उस एक सेल को पकड़ के उसके अंदर जीन डाल दिया है, तो वो जो 50 लाख सेल्स बनाएगा उनके अंदर भी सेम जीन्स चले जाएंगे। तो आपने एक सेल को करेक्ट करके 50 लाख सेल्स को करेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो जितना जल्दी आप किसी जीन के बारे में जान लेते हो और जितनी जल्दी आपको पता लग जाता है कि कोई गलती है, उतना ही बेहतर तरीके से आप उसे करेक्ट भी कर पाओगे अगर आपको अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है किसी बीमारी के बारे में तब। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू अ पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ हेरिडिटरी डिजीज, इट कंपनसेट्स अ नॉन फंक्शनल जीन। यानी आपने क्या कर दिया है, एक फंक्शनल जीन इंसर्ट करा दिया है किसी बच्चे की बॉडी के अंदर, राइट। तो उस बच्चे के अंदर नॉन फंक्शनल जीन था जो कि कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था और उस प्रोटीन की आपको जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर करेक्ट जीन डाल सकते हो। वो करेक्ट जीन जब एक्सप्रेस होगा तो करेक्ट प्रोटीन बनाएगा, जब करेक्ट प्रोटीन बनेगा तो बच्चे के अंदर बीमारी नहीं होगी, राइट। तो इसका जो सबसे स्टैंडर्ड केस देखने को मिलता है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी का, वो 1919 में देखा गया था, जहां पर एक 4 साल की बच्ची थी जिसको किसकी डेफिशिएंसी थी, एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ओके, एडिनोसिन डीएमिनेज। तो एडिनोसिन डीएमिनेज का मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन से अमीन को हटाने वाला, डीएमिनेज डिलीट करने वाला। तो आपका जो एडिनिन है मेरे दोस्त, उसके छठी पोजीशन पर क्या रहता है, अमीन ग्रुप लगा रहता है, उस अमीन ग्रुप को काफी बार आपको हटाना पड़ता है टू मेक सम प्रोटीन्स। तो वो जो आपका एंजाइम है वो यहां पर डेफिशिएंट रहता है, एंड अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो ये एससीआईडी डिजीज कॉज करता है, यानी सीवियर कॉमन इम्यून डेफिशिएंसी कॉज करता है, यानी काफी सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक साथ बच्चे को होने लग जाते हैं। तो अगर इस जीन की डिलीशन हो चुकी है तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है ये नहीं बनेगा, और अगर ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम एकदम ठप हो जाएगा किसी भी बच्चे का। तो ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दैट इज इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए इज नॉट द कंप्लीट क्योर। यानी आप क्या करते हो, काफी बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या हुआ, आपने किसी बच्चे के लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया या फिर उसके ब्लड सेल्स को निकाल लिया, और उसके ब्लड सेल्स को निकाल के उसको इंजीनियर करना स्टार्ट कर दिया। आपने बच्चे के अंदर से ब्लड सेल निकाले, उसमें एक जीन को आपने इंसर्ट किया, करेक्ट किया उस जीन को, एंड आपने वो सेल्स जो है कल्चर कराए, उनका नंबर बढ़ाया काफी ज्यादा, और बच्चे के अंदर दोबारा से वो सेल्स डाल दिए। समझ लीजिए आपने ऐसे 2000 सेल्स कल्चर कराए, या फिर आपने समझ लीजिए 200000 सेल कल्चर कराए और आपने बच्चे के अंदर दोबारा डाल दिए इनटू हर ब्लड फ्लो। तो क्या ये प्रोटीन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन ब्लड सेल्स की होती है मेरे दोस्त एक एज, और एज होती है काफी कम। आपके आरबीसी की जैसे एज है 120 दिन के आसपास, आपके डब्ल्यूबीसी है उनकी एज और कम है, 3 से 4 हफ्ते के आसपास है। तो अगर आप डाल भी देते हो किसी ब्लड सेल को ट्रीट करके एक बंदे की बॉडी के अंदर, उसे तो 1 महीने बाद फिर आना पड़ेगा या 2 महीने बाद फिर आना पड़ेगा, तो इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। सिमिलरली
अगर आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हो, यानी आपने बना बनाया एंजाइम उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया, तो जब वो एंजाइम खत्म होगा आपको दोबारा से आना पड़ेगा, राइट? तो दीज आर नॉट कंप्लीट क्योर्स, ये कभी भी आपको पूरा का पूरा जो है बहुत बढ़िया तरीके से उपचार नहीं करके देते। सो इन जीन थेरेपी आपके लिम्फोसाइट, जैसा मैंने आपको कहा जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनोलॉजिकल सेल है, उनको पेशेंट की ब्लड में से आपने निकाला और आपने उनका कल्चर कर लिया, यानी आपने उन्हें ग्रो किया, उनका नंबर बढ़ा लिया। देन आपने एक फंक्शनल एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर जो है इंट्रोड्यूस किया इनटू द लिम्फोसाइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देन दे आर रिटर्न्ड इनटू द पेशेंट, फिर पेशेंट में दोबारा से उन लिम्फोसाइट्स को आपने डाल दिया, क्योंकि ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। दीज आर पीरियोडिकली रिपीटेड थिंग्स एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। ब्लड सेल अमर तो होते नहीं है, एक महीने दो महीने तीन महीने टिक जाएंगे, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा, चार महीने टिक जाएंगे मैक्स टू मैक अगर आप आरबीसी की बात करो तो, लेकिन आपको फिर से आना पड़ेगा। तो दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। तो अगर आप एडीए का जीन डाल भी देते हो लिम्फोसाइट के अंदर, तो ये रेगुलर आपको कराना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, ये परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अगर आप एडीए जीन को डाल देते हो फ्रॉम मैरो सेल और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आपने इसे ट्रीट कर दिया है, तो ये एक परमानेंट क्योर होगा। यानी अर्ली एज में अगर आपको बीमारी की पकड़ हो गई है तब आप इसे ट्रीट कर पाओगे। अब देखो ये एक पेशेंट है, ओके, पेशेंट को पेलेट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इसका टी सेल लिया है हमने, यानी क्या लिया है, इसका टी लिम्फोसाइट लिया है, राइट? अब यहां पर जो टी लिम्फोसाइट है इसको हमने कल्चर के अंदर ग्रो करा लिया, काफी सारे सेल्स हो गए। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एडीए जीन जो डिफेक्टेड था उसको हटा दिया और फंक्शनल एडीए जीन डाल दिया। अब फंक्शनल एडीए जीन जब मैंने दोस्त यहां पे डाल दिया है, तो आपका करेक्टेड एडीए जीन इस सेल के अंदर आ चुका है। फिर मैं इसे दोबारा कल्चर कराता हूं, एम्पलीफाई कराता हूं, यानी इसकी हजारों कॉपीज बन गई। अब इन हजारों सेल्स को मैं दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर कराता हूं। तो जब तक ये सेल्स आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर है, तब तक पेशेंट मजे में काम कर रहा है, और जब ये सेल्स खत्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, तो पेशेंट को दोबारा आना पड़ेगा इस पीरियोडिक इन्फ्यूजन के लिए। अब आपका सीडीएनए क्यों यूज किया गया? अब एनसीईआरटी, जैसा मैं कहता हूं यार, खतरनाक चीज है ये, दिखती है बहुत सिंपल लेकिन सिंपल है नहीं, क्योंकि अब जो बात बिल्कुल सुमड़ी में लिखी हुई है, एक वर्ड जिसको आप बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करोगे, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, और ये आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोल के रख देगी। सीडीएनए, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हो, ये क्या होता है इसे समझो। जब आप जीन लाइब्रेरी तैयार करते हो, जीन लाइब्रेरी मतलब समझ लीजिए एक लाइब्रेरी है जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी के सारे जीन्स शोकेस करके लगा दिया जाए, तो उस केस में मेरे पास दो प्रकार के ऑप्शन है। पहला कि मैं अपना होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराऊं। होल जीनोम सीक्वेंसिस मतलब मेरी बॉडी के जितने भी सिक्वेंसेज हैं वो सारे के सारे वहां पर होने चाहिए, चाहे इसमें एक्सॉन हो चाहे इसमें इंट्रॉन हो, दोनों के दोनों। तो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर, सिंस वी आर यूकैरियोटिक इन नेचर, हमारे अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं ये आपकी नॉन कोडिंग होती हैं, यानी ज्यादातर जो चीजें हैं ये आपकी इंट्रॉन्स हैं। मेजर पोर्शन ऑफ आवर जीनोम इज इंट्रॉन। तो समझ लीजिए आपका एक नाइट्रोजनस बेस को कोड करने के लिए कुछ मेमोरी लगती है, तो आपने अगर आधे एक्सॉन लिए और आधे इंट्रॉन लिए तो आपके डबल पैसे लगे इतने से काम के। समझ लीजिए आपके 200,000 नाइट्रोजनस बेस है यहां पर, ठीक है, और इन 200,000 नाइट्रोजनस बेस में से 100,000 आपके काम के हैं, 100,000 आपके काम के हैं जिनको आपने एक्सॉन बोला ग्रीन वाले, और 100,000 आपके बिना काम के हैं जो किसी चीज को कोड नहीं करते, इनको मैंने क्या बोला, इंट्रॉन बोला, बिना काम वाले। या तो मैं इस प्रकार की लाइब्रेरी बना दूं जिसमें मेरा पूरा का पूरा सिक्वेंस है, या फिर मैं ऐसी लाइब्रेरी बना दूं मेरे दोस्त, या फिर मैं ऐसी लाइब्रेरी बना दूं जिसमें ओनली कोडिंग सेगमेंट्स हैं, ओनली कोडिंग सेगमेंट। तो एक तरफ तो इतनी ज्यादा यू नो कैपेसिटी लग रही है आपकी, और दूसरी तरफ अगर मैं स्काई ब्लू वाले रिमूव कर दूं तो सिर्फ मेरी इतनी कैपेसिटी लगी है। ज्यादा समझदारी किसमें है? ज्यादा समझदारी इसमें है कि हम सिर्फ कोडिंग वाले पे ध्यान दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जीन तो आपका यही है मेरे भाई, ये तो आपको ब्लू वाले तो रिमूव ही करने होते हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के बाद, तो इनको तो अगर आप ले भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कोई नॉलेज तो मिलने वाली है नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीडीएनए तैयार कर लेते हैं, हम जो आपका एक्सप्रेस्ड आरएनए है ना स्प्लाइसिंग के बाद, उसको डीएनए के फॉर्म में कंजर्व करके रख लेते हैं, बिकॉज आरएनए आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको आप कंजर्व नहीं कर सकते। अब जो मैं बोल रहा हूं उस बात को गौर से सुनो, ओके, बहुत गौर से सुनना है। यहां पर देखो मेरे भाई, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन शो करी इसने जब, तो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ठीक है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प की मदद से क्या करूंगा, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाकर स्टोर कर लूंगा,
ठीक है। और इस आरएनए की खास बात क्या थी, ये आपका प्रोसेस्ड आरएनए था, इसके अंदर क्या थे आपके इंट्रॉन्स नहीं थे, सिर्फ एक्सॉन्स थे, इसीलिए फायदा है मेरे कम स्पेस में काम चल गया। अगर मैं डीएनए से डीएनए बनाता तो मेरे को पूरा लंबा डीएनए बनाना पड़ता जिसमें आपका इंट्रॉन भी है एक्सॉन भी है, क्योंकि इस डीएनए के अंदर तो दोनों सीक्वेंस है ना, इंट्रॉन प्लस एक्सॉन, लेकिन मॉडिफाइड आरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन है। तो समझदारी का काम है मेरे दोस्त, इसीलिए सीडीएनए इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि आरएनए से डीएनए तैयार किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। बात आई होप पल्ले पड़ गई होगी, काफी आसान है समझने में, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी बीमारियों का पता करने में किस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी आपकी मदद करता है। सो अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई हुई है, ये तो बकैती है भाई, डीएनए इतना बड़ा नहीं होता, ये तो सिर्फ आपका मॉडल के लिए अच्छा है, किसी कॉलेज के प्रोस्पेक्टस पे अगर छपेगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉलेज में तो अच्छा लगेगा, बच्चों को ऐसा लगेगा सच में हाथ में डीएनए निकाल कर देते हैं, लेकिन असली जो सच्चाई है वो बहुत अलग है मेरे दोस्त, डीएनए ऐसा दिखता नहीं है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा तुम किताबों में देखते हो वैसा नहीं दिखता, सेल जैसा तुम किताबों में देखते हो वैसा नहीं दिखता, असली जो दुनिया है माइक्रोब्स की वो बहुत अलग है, और किताबों में जो दिखाया जाता है इट इज जस्ट टू फैसिनेट यू, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट छठी क्लास से डेवलप हो, अरे सेल इतना बढ़िया होता है, सब चीज वेल अरेंज है। जब तुम पहली बार माइक्रोस्कोप में या किसी यू नो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब तुम पहली बार देखोगे ना सेल को, तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा ये वही है जिसको मैंने किताब में देखा था, ये कितना बदल गया है, लेकिन असलियत में सेल वही है। सो दिस इज जस्ट टू फैसिनेट यू, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके राइट, यहां पर जो है आपको पीसीआर दिखाई हुई है, ये आपकी 96 वेल प्लेट है। ओके, ये आपकी 96 वेल प्लेट है, यहां पर आपके 12 कॉलम से हिसाब से बने रहते हैं और 8 कॉलम से हिसाब से बने रहते हैं, तो 12 इंटू 8 जब आप करोगे तो आपको 96 वेल्स दिखाई दे जाएंगे। इनके अंदर आप अपने सैंपल लोड करते हो माइक्रोपिपेट से, जो इन मैडम के हाथ में पिचकारी दिख रही है आपको, दैट इज माइक्रोपिपेट। एक बार मेरा लैब खुल जाए तो मैं अभी आपको माइक्रोपिपेट और यू नो 96 वेल प्लेट और पीसीआर सब कुछ दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है और क्या क्या टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यानी एलाइसा या जिसको आप एलिसा भी बोल सकते हो, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अर्ली डायग्नोसिस के काम आती है। यानी अगर आपको किसी बीमारी को ट्रीट करना है, जैसा मैंने बोला था अर्ली टू डायग्नोस अर्ली टू ट्रीट, जब आप किसी बीमारी को जल्दी से भगाना चाहते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप बीमारी को पहले अच्छे तरीके से पकड़ पाओ। सो डायग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटी चीजें दिखती नहीं है। समझ लीजिए कि यहां पर एक छोटा सा पेपर ले लेता हूं मैं, लेट्स से ये एक छोटा सा पेपर है जो मैंने फाड़ लिया, ये मैंने अपनी उंगली पर रख दिया जो शायद आपको दिखाई भी ना दे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, इट इज सो स्मॉल कि आपको दिखाई नहीं देगा, तो इतनी छोटी किसी पैथोजन की क्वांटिटी हो सकती है जो कि आपको ब्लड में घूमते हुए दिखाई भी ना दे, लेकिन जब इस पेपर को मैं 1 करोड़ गुना बड़ा बना दूंगा तो तैयार हो जाएगी एक बुक, और वो बुक आपको अपने हाथ में दिख जाएगी, जैसे कि मेरी थीसिस है मास्टर्स की, तो ये आपको आसानी से दिख रही है, बिकॉज इट इज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स लार्जर देन दैट पीस ऑफ पेपर। तो डायग्नोसिस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चीजों को या तो एम्पलीफाई करना पड़ता है या फिर स्पेसिफिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं जो एक छोटे से पेपर को भी पकड़ ले। अब नाउ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन प्रोड्यूसेस अ सिम्टम, यानी जब हमारी बॉडी में असर आने लग जाता है भाई कुछ गड़बड़ है, तभी हम बीमारी के लिए टेस्ट करवाने जाते हैं, लेकिन तब तक आपके पैथोजन की क्वांटिटी ऑलरेडी 1000 गुना या 1,00,000 गुना हो चुकी है, क्योंकि तभी तो आपके सिम्टम्स आए हैं, यानी आपके किसी बैक्टीरिया ने किसी वायरस ने किसी फंगस ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तभी सिम्टम्स आए। तो सिम्टम्स जब तक आते हैं देन यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। सो इससे अच्छा क्या रहता है, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। सो करना क्या है इसके लिए, अर्ली डायग्नोसिस। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, यानी डीएनए और आरएनए का जैसे हमने देखा था पीसीआर क्या करता है, उनको 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है सिर्फ 30 साइकिल के अंदर अंदर, सिर्फ 30 साइकिल्स के अंदर अंदर। जैसे आपका जो COVID-19 का टेस्ट हो रहा है दैट इज ऑल्सो रियल टाइम पीसीआर बेस्ड, तो वहां पर भी आप RT-PCR का इस्तेमाल करते हो। रियल टाइम पीसीआर मतलब ये आपको रियल टाइम रिजल्ट्स दिखा देता है, आपका एक ग्राफ बना हुआ आपको दिख जाता है कि हाँ आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन की कंसंट्रेशन इतनी इतनी बढ़ती जा रही है, ओके अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ साइकिल्स, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन है, यानी कि आप कोविड पॉजिटिव है। तो रियल टाइम पीसीआर जो है अभी फिलहाल आपका यूज हो रहा है इन द डायग्नोस्टिक किट्स इन द डिटेक्शन टूल्स। ओके ऑलराइट, सो यहां पे देखो यूजेस ऑफ पीसीआर टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, यानी एड्स पेशेंट के अंदर ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो एंटर कर चुका है, इस वायरस का जेनेटिक मटीरियल जो है इसको आप 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था आपको एक छोटे से कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको एक पूरी बुक तो दिखाई देगी ना,
तो आप क्या करते हो, जब किसी चीज को एक बिलियन टाइम बड़ा कर देते हो ना, तो वो आसानी से सस्पेक्ट हो जाता है, वो आसानी से क्लियर हो जाता है वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट. सो इट इज ऑल्सो यूज, PCR इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट. यानी कैंसर पेशेंट की बॉडी में जो म्यूटेशन हुई है उसको भी आप क्या कर लेते हो, पकड़ लेते हो. कैसे पकड़ते हो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा. आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जहां पर भी म्यूटेशन का स्कोप है वहां पर आपका PCR काम करेगा और म्यूटेशन को पकड़ लेगा. अब देखो कि आपका म्यूटेशन पकड़ता कैसे है कैंसर और बाकी सारे बीमारियों में. अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है, यानी जिसको आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग कर दिया है, उसे आप क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं. तो प्रोब इज नॉट ओनली DNA, नॉट ओनली RNA, कोई भी न्यूक्लिक एसिड, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, दोनों के दोनों आपके अगर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, इसे आप प्रोब बोल सकते हो. एंड ये आपका हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी कंबाइन कर लेता है, बॉन्ड्स बना लेता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, यानी अपने से कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ. ओके? और जब ये बॉन्ड बना लेता है तो चमकने लग जाता है, जिसको आप ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर देख सकते हो. द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट्री और द म्यूटेटेड जीन. अब इस बात को समझने की कोशिश करो, अब इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से. समझ लीजिए आपके पास एक जेल है, राइट, या आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम एक पेज के फॉर्म में बना लेते हैं, इसको हम एक पेज के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं, राइट. चलिए अब देखो यार, यहां पर मैंने क्या कर दिया है, काफी सारे आपके जेनेटिक फ्रेगमेंट्स डाल दिए हैं एम्पलीफाई कर करके. समझ लीजिए यहां पर ये एक जेनेटिक फ्रेगमेंट है, 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 एंड ये एक जेनेटिक फ्रेगमेंट है. अब यहां पर इसका सीक्वेंस क्या है, ATGCAT. अब यहां पर क्या है, ATGCAT. यहां पर क्या है, ATGCAT. यहां पर क्या है, ATGGAT. यानी यहां पर क्या हो गया, यहां पर गड़बड़ हो गई. ठीक है, ये हमें पता है, तुम्हें पता है, अभी हमारे प्राइमर को नहीं पता है, या फिर अभी हमारे प्रोब को नहीं पता है. तो ATGCAT और ATGCAT, यानी बाकी सारे एक जैसे, एक में गड़बड़ है. अब ये हमने लिखा है तो हमें पता है, लेकिन नॉर्मली अगर हमारे सामने अगर कोई DNA बना के चला जाए तो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि DNA में यूजुअली ATGC दिखते नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं है कि इन छह में से म्यूटेशन किस में है. तो हम क्या करेंगे, आपका प्रोब ले आएंगे. अब ये प्रोब जब आपका रेडियो लेबल रहता है तो ये भाई जहां पे भी जाता है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. तो इस प्रोब की हालत क्या है, प्रोब है आपका TACGTA. अब ये TACGTA यहां पर बाइंड कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका चमकने लग जाएगा, ये ग्लो होने लग जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी पे. मेरे भाई नंगी आंखों से, यानी नेकेड आई से तुम कभी रेडियो एक्टिविटी नहीं देख सकते, इस भ्रम में मत रहना. ठीक है, कि हाँ मैं आंखों से चमकता हुआ देख लूंगा इस स्ट्रैंड को, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल. आपको ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करना होता है. अगर आंखों से तुम रेडियो एक्टिविटी देख सकते हैं, तो मैरी क्यूरी मैम, जिन्होंने खुद रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, उनकी डेथ नहीं होती. उनके काफी सारे नोटबुक्स, उनके कंप्यूटर, उनके लैब में काफी सारे ट्रेसेस मिले हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, जिनके कॉन्टेक्ट में वो दिन रात रहती थी, एंड दैट्स व्हाई शी गॉट अ लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट. अगर वो खुद देख पाती इतना ज्यादा, तो अल्टीमेटली शी विल यू नो प्रोटेक्ट हरसेल्फ. लेकिन आप ऐसा नहीं देख सकते मेरे दोस्त, यहां पर आपको ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करना पड़ता है. यहां पर भी जाकर ये बाइंड कर जाएगा बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां पर भी आपका ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा. यहां पर भी आपका ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा बिकॉज देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग. यहां पर भी ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा. यहां पर भी ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा. आपको अलग से पकड़ में आ जाएगी ये वाली चीज. इसका मतलब यहां पर आपको क्या पता लग जाएगा, यहां पर आपको पता लग जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर है म्यूटेशन. अगर ये म्यूटेशन है, ये आगे चल के आपका कार्सिनोजेनिक काम करेगा, ये आगे चल के कैंसर बनेगा, राइट. इन जीन्स में आप इस प्रकार से क्या है, एनालिसिस कर सकते हो दैट विच पर्टिकुलर जीन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन. और ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, किसी भी अदर म्यूटेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. सो फॉर वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर यू कैन यूज द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. तो यहां पर ये जो प्रोब आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि DNA RNA हो सकता है, ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, इसीलिए ऑटो रेडियोग्राफी में अलग से चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, ग्लो करता हुआ दिखाई दे जाता है. ओके, चलिए. ऑलराइट, अब आपके ELISA टेस्ट की बात आती है. तो ELISA इज बेस्ड, एक सेकंड यार मार्कर ले लेता हूं, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. यानी कोई भी एंटीजन है अगर आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसा बीमारी कॉज करने वाला फॉरेन पैथोजन आया है,
उसकी बॉडी का कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स से कोई प्रोटीन है, कोई आरएनए है, कोई डीएनए है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, कोई शुगर कंटेंट है, उसको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रैक करने की कोशिश करता है कि यहां गड़बड़ मिल गई चलो, और वहां जाकर के उसका पीछा करता है। एंड दीज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक, ओके, क्योंकि सेम चीज के लिए सेम हथियार बनाती है आपकी बॉडी, राइट। अगर समझो कि कोई ग्लाइकोप्रोटीन आया है किसी बैक्टीरिया का, उसे पहली बार देखा आपकी बॉडी ने, तो उसने देखा यार कि इसका ग्लाइकोप्रोटीन कुछ इस प्रकार का है कि ये आपकी कर्व्ड तलवार से बनेगा, तो इसने एंटीबॉडी ऐसी बनाई जो कि कर्व्ड तलवार की तरह बिहेव करे, यानी स्पेसिफिक हथियार बना लिया किसी भी दुश्मन को मारने के लिए कि हाँ अगर इस इलाके का ये गुंडा आएगा तो इस हथियार का इस्तेमाल करना है, दूसरे इलाके का दूसरा गुंडा आएगा तो दूसरे हथियार का इस्तेमाल करना है, अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आ रहा है तो उसको मारने के लिए अलग से ही जहर मिला रखा है उसके खाने में, और कोई अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के आ रहा है तो फिर पट से हेडशॉट उसे दे दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन देयर आर वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म्ड विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो यहां पर जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है जहां पर आपकी एंटीजन बाइंड कर सकती है। देखो यार यहां पर इफ दिस इज द एंटीबॉडी, आपका वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का इस प्रकार से, ये दो आपकी हैवी चेन्स होती है और ये दो छोटी छोटी आपकी लाइट चेन्स होती है। सो दिस इज फर्स्ट हैवी चेन, दिस इज सेकेंड हैवी चेन, दिस इज लाइट चेन, दिस इज लाइट चेन, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है H2L2 कहा जाता है, यानी दो हेवी दो लाइट चेन इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। यहां पर ये जो जगह है ये बाइंडिंग साइट है, यहां पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है स्पेसिफिकली, यानी जिस चीज के प्रति आपने एंटीबॉडी तैयार की है सिर्फ वही यहां पर बाइंड कर पाएगा और कोई बाइंड नहीं कर पाएगा, ओके। तो आप इंटरेक्शन यहां पर नोट कर सकते हो। सो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जो कि प्रोटीन हो सकते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर के, जो कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी मिल जाए तो आपको यह भी पता लग गया है कि भाई पक्का पैथोजन आया होगा तभी तो एंटीबॉडी बनी, और अगर आपने नीचे एंटीबॉडीज लगा दी उसके ऊपर एंटीजन आकर बाइंड कर जाए तो इसका मतलब एंटीजन तो है ही। सो आप क्या करते हो अलग अलग प्रकार से इस प्रोसेस को करने की कोशिश करते हो। जैसे समझ लो यहां पर आपका ब्लड सैंपल है, राइट, यहां पर आपने क्या लिया हुआ है, यहां पर आपने एंटीबॉडी ली हुई है। अगर एंटीबॉडी आपने ली और इस ब्लड सैंपल को आपने यहां से पास कराया, अगर ब्लड सैंपल में एंटीजन हुआ तो सिर्फ एंटीजन तो यहां पर बाइंड कर जाएगा, बाकी सारी चीजें आगे बह जाएंगी। इसका मतलब एंटीजन बाइंड किया तो आपके ब्लड में एंटीजन है, इसका मतलब आप बीमार हो, आपकी बॉडी में एंटीजन पाया गया, ओके। और एंटीबॉडी आपने किसी भी पेशेंट से उधार मांग ली थोड़ी देर के लिए लेट से, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप एंटीजन भी नीचे लगा सकते हो कि आपको पता है कि भाई कोरोना वायरस का एंटीजन ऐसा दिखता है, आपने उस एंटीजन को किसी पेशेंट से निकाला मेम्ब्रेन पे लगा दिया और आपने एंटीबॉडी टेस्ट कर ली। अब आपके एंटीबॉडी जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो ब्लड के अंदर ही होगी, आपने इसके अंदर से ब्लड जब पास कराया तो एंटीबॉडी स्पेसिफिकली आकर बाइंड हो गई, तो ये नीचे आपका क्या था एंटीजन बाइंड था, यहां पर आकर के क्या हो जाएगी मेरे दोस्त आपकी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी स्पेसिफिकली यहां पर इस एंटीजन के साथ। दोनों ही केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, राइट। इस हिसाब से आप देखें कि आप लेबल कर सकते हो अलग अलग एंटीबॉडीज को, अगर आपने एंटीबॉडीज को लेबल कर दिया है तो ये ग्लो करने लग जाएंगी जैसे ही आपकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी, तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, राइट। तो आप इसे फ्लोरेसेंस लेबल भी कर सकते हो, यानी कि जैसे ही ये बाइंड करेंगी चमकने लग जाएंगी, कोई कलर दे देंगी, या फिर आप इसे रेडियो लेबल भी कर सकते हो। रेडियो एक्टिविटी फिलहाल बहुत ज्यादा यूज नहीं की जा सकती है, तो नई चीज आई है आपकी फ्लोरेसेंस, नई भी नहीं है बहुत पुरानी है, लेकिन आप लोगों के लिए आपके टेक्स्ट में काफी नई है स्कूल लेवल पे, तो जो फ्लोरेसेंस होती है इसका आप इस्तेमाल करते हो, रेडियो एक्टिविटी का आप इस्तेमाल फिलहाल नहीं करते। तो फ्लोरेसेंस जो है बिकॉज इट इज नॉन टॉक्सिक, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो जब आपका एंटीजन आपने नीचे लगा रखा है तो ब्लड से एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, आपने एंटीबॉडी नीचे लगा रखी है तो ब्लड से आया हुआ एंटीजन यहाँ बाइंड कर जाएगा। जैसे ही दोनों बाइंड करते हैं आपकी जो टैग्ड एंटीबॉडीज होती है कलर प्रोड्यूस कर देती है, आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई काम हो चुका है, आपका यहाँ पर एंटीजन मिल चुका है, यू आर बीमार। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता देन इट्स फिट एंड फाइन, तो ऐसा कोई लोचा नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग ठीक हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी यहाँ पर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की बात की जा रही है जो कि अलग अलग पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपका अभी वैक्सीन का ट्रायल फेज चल रहा है, जो आपकी कोवैक्सीन है या फिर आपके कोरोना वायरस की जितनी भी अलग अलग वैक्सीन बनी है उन सबका ट्रायल फेज चल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स में आप सबसे पहले इन्हें लोअर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ट्रीट करा के देखते हो, जैसे कि माउस सबसे कॉमन है, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस ही हैं जो कि आपके लैब्स में सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन माइस पर आप सबसे पहले क्या करते हो एक्ट करा कर देखते हो अपनी वैक्सीन को, एंड देन यू टेक अप द रिजल्ट्स वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं माइस पर ही कोई चीज काम नहीं करी है तो उसको बंदर तक ले जाना, घोड़े तक ले जाना या फिर इंसान तक ले जाना इज रियली नॉट गुड। सो अगर आपके माइस में रिजल्ट 100% पॉजिटिव आते हैं, इफेक्टिविटी अगर किसी चीज की देखने को मिलती है, एफिकेसी अगर किसी चीज की देखने को मिलती है, तो आप मैमल
जो है हायर उनके पास पहुंच जाते हैं, जो कि ह्यूमन से ज्यादा रिलेटेड है, जैसे आपका मंकी है उसके पास आप पहुंच जाते हैं, उनके बंच पे आप टेस्ट करके देखते हैं किसी भी वैक्सीन को। एंड आफ्टर दैट यू कम टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, एंड आफ्टर दैट आप एक लार्ज पॉपुलेशन पर किसी भी ड्रग की या फिर किसी भी वैक्सीन की डोजेस को टेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी देखने रहते हैं, तो आप उनकी मात्रा को भी टेस्ट करते हैं, यानी आप उनका क्रिटिकल अमाउंट भी चेक करते हैं। तो एक बार आपको सेफ्टी का तो पता लग गया, तो आप ये भी देखते हैं कि किस अमाउंट पर आपकी आपकी जो वैक्सीन है वो टॉक्सिक हो जाती है, यानी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका डोज आपको कितना कितना देना है। तो आप जैसे कि देखोगे 50 mg देखोगे कहीं पर 20 mg देखोगे, कहीं पर 100 mg देखोगे कि कितना आपका सबसे इफेक्टिव क्वांटिटी है जिसमें बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं विदाउट इंडल्जिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप लोग मार्क कर लेते हो कि हाँ भाई हमें ये वैल्यू आगे देनी है लोगों तक, और इसी पे जो है आपका उपचार किया जाए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, यानी कि इनका डीएनए आपने मैनिपुलेट कर दिया है। तो दीज आर द एनिमल्स जिनका जीनोम जो है अल्टर हो चुका है, यानी मैनिपुलेट हो चुका है, एक्स्ट्रा फॉरेन जीन इनकी बॉडी के अंदर आपने एंटर कर दिया है बाय जीनोम मैनिपुलेशन। जैसे यहां पर आपको गुइनीपिग दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके चमक रहे हैं, आपको रैबिट दिखाई दे रहा है जो कि चमक रहा है, तो यहां पर आपका क्या डाला गया है, यहां पर जीएफपी का जीन डाला गया है। जीएफपी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन बायोलॉजी। जो फ्लोरेसेंस में आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था उसमें जीएफपी का बहुत बड़ा हाथ है। इसे बोला जाता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन राइट। ये आपके प्रोटीन एक्सप्रेशन को चेक करने में भी हेल्प करती है, या आपका नेचुरल फ्लोरेसेंट के तौर पे भी काम में लिया जाता है, जिससे कि आपको कोई जीन प्रेजेंट है या नहीं, एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें पता लग जाए। एज वेल एज अगर आप किसी एनिमल के अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस करा देते हो तो वो ग्लो करने लग जाता है, यानी वो ल्यूमिनेसेंस शो करने लग जाता है, वो आपका इस कलर को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी फ्लोरेसेंट फिश भी तैयार हो चुकी है, आपके ग्विनीपिग आपको देखने को मिल ही रहे हैं, रैबिट आपको देखने को मिल ही रहा है। सिमिलरली आपने ग्लोइंग डार्क कैट के बारे में सुना होगा जो रात में चमकती हैं। यूजुअली कैट आपकी जब रास्ते पे भागती हैं तो दिखाई नहीं देती, उनकी आंखें अचानक से चमकती हैं, जिससे कि काफी सारे एक्सीडेंट्स में वो मारी जाती हैं। तो एक साइंटिस्ट ने ट्राई किया था टू इंट्रोड्यूस दैट ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन इन कैट, एंड व्हेन इट एक्सप्रेस सो दैट कैट स्टार्टेड गिविंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर, जिससे कि वो आसानी से पकड़ में आ जाती थी। तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की डिस्कवरी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जब आप सुनोगे, कभी टाइम मिलेगा तो आई विल शो यू कि रिसर्च में किस तरीके से ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, साइन फ्लोरेसेंट प्रोटीन कैसे ये काम आती है, आई विल श्योरली लेट यू नो। ओके, ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक शीप, काउ, फिश, काफी सारी चीजें आपकी इस्तेमाल की गई है। ये सिर्फ नॉर्मल चीजें हैं, इनके अलावा भी आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप ट्रांसजेनिक बना सकते हो, लेकिन इनमें से 95% जो है ये आपके माइस है, जो कि लैबोरेटरी में सबसे ज्यादा कॉमन यूज किए जाने वाले एनिमल मॉडल्स हैं। दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग। ओके, अब देखो ट्रांसजेनेसिस से होता क्या क्या है, आप क्या क्या नई चीजें बना सकते हो। टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी समझ लीजिए आपको किसी जीन का इफेक्ट देखना है किसी एनिमल के ऊपर, आपको किसी जीन का इफेक्ट देखना है ह्यूमन के ऊपर, तो ह्यूमन में तो आप ट्रांसजेनेसिस कर नहीं सकते। और आपको अगर किसी जीन की पाथवे ठीक तरीके से पता नहीं लग रही है, आप सेम जीन को एक्सप्रेस करा दीजिए किसी और एनिमल के अंदर, तो यू विल पर्टिकुलरली ट्रैक दैट पाथवे, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज कहां पर हो रही है, एंड आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ सकते हो, किसी जीन का इफेक्ट किस ऑर्गन पर क्या होने वाला है, यू कैन ट्रैक दैट। टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, एक जीन अगर म्यूटेट हो जाता है तो किस हिसाब से आपकी डिजीज पनपेगी, किस हिसाब से आपकी डिजीज तैयार होगी, उसको भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। यानी समझ लीजिए मैंने कहा एक जीन है ए, उस जीन के म्यूटेशन से इंसान अंधा हो जाता है, तो आप क्या करिए किसी एनिमल के अंदर भी अगर उस प्रकार का जीन है उसे म्यूटेट करा के देखिए, इफ दैट एनिमल गोज ब्लाइंड इट मींस दैट यस इट इज रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस। हालांकि यूजुअली दिस इज अ कॉमन एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिन पर इस प्रकार के काम किए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी समझ लीजिए आपको एंटीबॉडीज तैयार करनी है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, तो आप क्या करते हो, काफी बार ह्यूमंस में वो एंटीबॉडीज डालने के लिए आप किसी और एनिमल को अपना सहारा बनाते हो। चीज को समझने की कोशिश करो, समझ लो एक वायरस है राइट, जिसकी एंटीबॉडी आपके अंदर अगर मुझे बनानी है तो मुझे आपके अंदर वो वायरस डालना पड़ेगा, लेकिन देर आर चांसेस कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओ या फिर आपकी डेथ हो जाए, तो मैं आपकी लाइफ को स्टेक पर नहीं लगा सकता।
लेकिन मुझे अगर किसी रिसर्च के थ्रू पता लगता है कि किसी घोड़े के अंदर या किसी पिक के अंदर वो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली बनती हैं, उनको थोड़ा ही नुकसान पहुंचा के या फिर उन्हें एक कम एक्सटेंट पर बीमार करके, तो मैं घोड़े को या फिर पिक को यूज कर सकता हूं फॉर एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। मैं उनके अंदर वायरस डालूंगा या फिर उनके अंदर बैक्टीरिया डालूंगा, वो उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ेंगे, उनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगी, उस ब्लड को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और एंटीबॉडीज को मैं आइसोलेट कर लूंगा एंड अल्टीमेटली आई कैन यूज दोस एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस। दैट कुड बी एन अप्रोच, दिस इज नॉट अ शॉर्ट अप्रोच, राइट? ऐसा नहीं है जो बायोलॉजी में सुनने में आसान लगता है, दैट इज नॉट वेरी इजी। हम लोग ऐसे बोलते हैं जीन को काट दिया, जीन को मिला दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया, प्लाज्मिड और इसमें लाइगेज मिला दो, इट इज नॉट वेरी इजी। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम जाओगे रिसर्च लेबोरेटरीज में, तो तुम्हें पता लगेगा दो दो तीन तीन पेजेस के प्रोटोकॉल होते हैं, ये पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट करने में एक डेढ़ दिन का टाइम लगता है। अगर आप एक मीडियोकर लैब में काम करते हो तो आरएनए तो आइसोलेट करना इज अ वेरी बिग थिंग, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो तुम एक बार में कर पाओगे, अदरवाइज तुम एक बार में कर भी नहीं पाओगे। प्लाज्मिड आइसोलेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी, तो जो किताबों में दिखता है वो वैसा होता नहीं है दोस्त, राइट? ये तुम आगे डॉक्टरी भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, एक यू नो बिल्डअप है, आगे जाके तुम चीजों को देखोगे तो तुम्हारा देखने का नजरिया बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा ये सब धोखाधड़ी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। जैसा कि इसमें यू नो एंटीजन डालो, जैसा मैंने अभी कहा, उससे एंटीबॉडी निकाल लो, इंसान को ट्रीट कर दो। अब तुम बोलोगे सर ये तो हम कोविड के लिए भी कर सकते हैं, बट दैट इज रियली नॉट पॉसिबल, अदरवाइज वैक्सीन बहुत जल्दी बन चुकी होती। ये सब चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल है जो कुछ केसेस के अंदर काम करती हैं, दीज आर सब सब केसेस, दीज आर नॉट इवन प्रॉपर केसेस, इसको आप एक केस का भी सब केस, उस सब केस का भी सब सब केस मान के चल सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए कि ऐसा हो सकता है इन बायोलॉजी, ऐसा हर केस में होगा दैट इज नॉट ट्रू, देर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, राइट? सो ऐसे करने दौड़ मत पड़ना, इसीलिए मैंने इस चीज को इतना डिटेल में बताया, ओके? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप बना सकते हो, अलग अलग एंटीबॉडीज, अलग अलग, जैसे आपने बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाला, दैट इज वेरी गुड, हाँ ये तुम ट्राई कर सकते हो, बैक्टीरिया से इंसुलिन निकालना, दैट इज टोटली सेफ एंड यू कैन डू दैट। देन वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले माइस पे करोगे, देन ह्यूमन से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाओगे, देन ह्यूमन के ऊपर कूदोगे। देन आपका केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कि आपका टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी वर्ड किससे आया है, अमाउंट से आया है। मैंने आपको बताया था ना, एक वैक्सीन का आपको अमाउंट भी जज करना पड़ेगा कि 20 mg देनी है, 30 mg देनी है, 25 mg देनी है, 50 mg देनी है, 100 mg देनी है। ये टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी आप किस पे करते हो, एनिमल के ऊपर करते हो, कि एक केमिकल या एक ड्रग किसी इंडिविजुअल को कितनी दे कि उसमें साइड इफेक्ट ना हो, और इतनी दे दें कि उसमें बीमारी भी ना हो। समझ लीजिए कि आपका, मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म को 40 mg ड्रग देता हूं तो इससे बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही, पैथोजन भंगड़ा पा रहा है, और अगर मैं 70 mg दे देता हूं तो आपका भाई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने लग पड़ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं 50 mg दे के देखता हूं, 50 mg में मैंने देखा भाई पैथोजन मर भी जा रहा है और साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहा, तो ये वाली वैल्यू मैं डिसाइड कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज योर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कि आपका एक अमाउंट में जो है डायग्नोस करके पता कर लेता हूं बहुत अच्छे तरीके से, एक पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के थ्रू, राइट? अब देखो जो अलग अलग बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं अभी 5-6 कैटेगरीज में, उनको हम देखेंगे इन डिटेल। टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं इनको आप यूज करते हो टू स्टडी जीन रेगुलेशन एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड इट्स डेवलपमेंट। किसी जीन का रेगुलेशन कैसा है, कोई जीन किस टाइम पर एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, किस टाइम पर एक्सप्रेस कम कर रहा है। समझ लीजिए एक जीन है ए, जो कि आपके बचपन में कम एक्सप्रेस करता है, जवानी में ज्यादा एक्सप्रेस करता है, लेट्स से इट इज रिलेटेड टू योर यू नो एग्रेशन, एंड बुढ़ापे में दोबारा से आपका हाइपो एक्सप्रेस हो जाता है, कम एक्सप्रेस करने लग जाता है। तो आप बता सकते हो कि भाई ये लाइफ के फेज से रिलेटेड है, राइट? हार्मोनल बैलेंस से रिलेटेड है। तो आप डेवलपमेंट फेजेस के दौरान देख सकते हो कि जब एक इंसान बड़ा हो रहा है तो हाइपर एक्सप्रेशन हो रहा है, फिर जब उसकी एज दोबारा से बहुत ज्यादा हो रही है तो हाइपो एक्सप्रेशन हो रहा है, एंड यू कैन जज अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी कॉम्प्लेक्स फैक्टर, जैसे आपके यू नो हॉर्मोन्स होते हैं, इनसे मिलता जुलता होता है आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसको आप IGF बोलते हो। तो IGF के काफी सारे फंक्शंस हैं, तो इस IGF को आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, यह हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या वो इफेक्ट अच्छे हैं, क्या वो इफेक्ट बुरे हैं, कौन कौन से जीन्स को ये हाइपर एक्सप्रेस कर रहा है, कौन कौन से जीन्स को ये हाइपो एक्सप्रेस कर रहा है, सारी चीजें हमें पता लग जाती है। जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीड। यानी ऐसे जीन्स मैंने ले लिए किसी और इंडिविजुअल से और डाल दिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे जीन्स जो कि IGF की फॉर्मेशन को कम कर रहे हैं, तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो रही है,
उसका विकास कम हो रहा है, उसका दिमागी विकास कम हो रहा है, तो मैं यहां से यह बता पाऊंगा कि IGF अगर कम होता है तो दिमागी विकास रुक जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। इसका मतलब IGF वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इंप्रूवमेंट एज वेल एज फॉर ग्रोथ। और अगर आपका IGF बढ़ जाता है तो बॉडी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली, ऑर्गन एनलार्ज हो गए, तो मुझे यह पता लग जाता है अगर आपका IGF ज्यादा है तो इट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ। तो मैं इस हिसाब से चीजों को जज कर सकता हूं। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन बॉडी, यानी हमें पता लग जाता है कि फैक्टर आखिर हमारी बॉडी में उखाड़ता क्या है, राइट। चलिए, सेकंड, टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, यानी ट्रांसजेनिक मॉडल्स ऐसे तैयार हो चुके हैं टू इन्वेस्टिगेट द न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर ह्यूमन डिजीज, यानी ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड जो जीन है वो हम अलग अलग एनिमल्स के अंदर डाल के देखते हैं और देखते हैं कि उनमें बीमारी बढ़ कैसे रही है, कौन से सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं और किस हिसाब से उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। अगर हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया तो हम बीच में कहीं ना कहीं बैरियर बना सकते हैं। अब देखो, फिल्म में तुमने देखा होगा कि चोर हो सकता है कि रेलवे स्टेशन से जाएगा या फिर एयरपोर्ट से जाएगा, फटाफट जाओ एयरपोर्ट को जाम कर दो या फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे जाम कर दो, जंगल में अगर कोई गुप्त रास्ता जा रहा है तो उसे जाम कर दो, सो दैट यू कैन ट्रैक द यू नो कल्प्रिट्स, आप उन्हें रास्ते में पकड़ पाओ। तो अगर तुम्हें पता है कि भाई रास्ते कौन कौन से हैं तभी तो जाओगे ना, अदरवाइज पता चला कि वो डोरेमोन का फैन है, सर पे पंखा लगा के उड़ गया तो कैसे ही रोक लोगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैथोजन फर्स्ट कि भाई है किस प्रकार का, एंड देन तुम लोग उस हिसाब से फेट मैप तैयार करते हो कि हाँ अब हमें इसे कैसे रोकना है, व्हाट शुड बी आवर आइडियल स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस ये तैयार किए जा चुके हैं, जैसे कि कैंसर को समझने के लिए आपके पास एनिमल्स है, उनके अंदर आप जीन को अल्टर करते हो, कैंसर को पढ़ते हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस को देखने के लिए आपके पास है, देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि काफी ज्यादा कॉमन है इंडिया में, इसको देखने के लिए भी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो है अल्जाइमर जो कि टाइम के साथ आपकी बुढ़ापे के साथ काफी ज्यादा कॉमन है, इसको भी आप लोग देख सकते हो बाय ट्रांसजेनिक मॉडल्स। जैसे कि आपने उरी फिल्म देखी होगी तो वहां पर जो विकी कौशल की मम्मी थी जो कि भूल जाती थी बार बार कि उसका बेटा छुट्टी आ चुका है, या फिर जैसे भी जो भी वहां पर कहानी दिखाई गई है कहीं भी चले जाते थे और उन्हें याद नहीं रहता था, दैट वाज बेसिकली अल्जाइमर्स, राइट। न्यूरो डिजेनरेशन होने लग जाता है और मेमोरी लॉस हो जाता है एक बहुत ही बड़े लेवल पे, तो आपने क्या किया पिछले टाइम में, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या प्लान करके बैठे थे, वो कुछ भी चीज याद नहीं रहती। और इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड देर आर लॉट ऑफ रिसर्चेज विच आर गोइंग ऑन इन अल्जाइमर्स, वन ऑफ माई प्रोफेसर इज ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन अल्जाइमर डिजीज, सो जानने को मिलती रहती है काफी सारी बातें। एक प्रोफेसर एंडोमेट्रियोसिस पे काम कर रहे हैं, एक प्रोफेसर अल्जाइमर्स पे काम कर रहे हैं, वन सीनियर साइंटिस्ट इज डूइंग क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, वन इज डूइंग नैनो मेडिसिन। सो इस हिसाब से चीजों को पढ़ोगे अगर थोड़ा थोड़ा तो आगे चल के चीजें काम आएंगी, राइट। चलो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन कौन से तैयार हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप जो जीन डालोगे किसी एनिमल के अंदर उस जीन का प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन बेसिकली आपका प्रोडक्ट है। जैसे ह्यूमन प्रोटीन जो है आपका अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये आपका अल्फा वन है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ये आपका एम्फिसीमा को ट्रीट करने के काम आता है, एंड सिमिलर आपके एफर्ट जो है आपके फिनाइल कीटोन यूरिया या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी यूज किए जा चुके हैं, राइट। यानी यहां पर जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है ये जब आपका आएगा तो एम्फिसीमा को क्योर करने का काम करेगा। सिमिलरली 1997 में रोजी नाम की क्या बनी थी, एक काओ बनी थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रोजी बफेलो थी, शीप थी, गोट थी, क्या थी, तो शी वाज अ काओ, एंड ये जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ थी ये जब बनी तो इनके अंदर ह्यूमन प्रोटीन था, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ओके, लैक्टल का मतलब लैक्टोज विच इज मिल्क शुगर एंड अल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, यानी कि इस मिल्क में शुगर के साथ साथ प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा था, दैट इज 2.4 ग्राम्स पर लीटर, और ये इतना ज्यादा प्रोटीन है कि इट इज इवन मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, यानी गाय के दूध से भी ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा अगर आप इसको पी लोगे तो, यानी नेचुरल काउ जो मिल्क है उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है रोजी काउ के अंदर, क्योंकि 2.4 ग्राम्स उसमें ह्यूमन का अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, और ह्यूमन का प्रोटीन है तो माँ के दूध का प्यार भी मिलेगा, यानी कि ये वो सेम प्रोटीन है जो कि मम्मी के मिल्क में होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गाय भी हमारी माता है लेकिन अगर वो सच में ही माँ का प्रोटीन देने लग जाए तो भाई क्या ही कहने। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ट्रांसजेनिक माइस जो है ये आपका पोलियो वैक्सीन के लिए भी इस्तेमाल की गई थी, और आजकल तो दुनिया की हर वैक्सीन के लिए इस्तेमाल की गई है, तो NCERT अपडेट नहीं होती भगवान की दया से, पता नहीं क्यों, लेकिन अपडेट आई थिंक करना चाहिए एटलीस्ट 10 साल में तो एक बार, बिकॉज अभी पता नहीं पिछले कितने ही सालों से अपडेट नहीं किया, एक दो चीजें बढ़ाई है लेकिन जो डेटा था वो वैसा का वैसा ही है, एक दो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं बस। सो इट इज फाउंड टू बी रिलायबल कि आप जो है
रिप्लेस कर सकते हो मंकीज को, ओके, एंड यू कैन टेस्ट द वैक्सीन इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। अभी माइसिस काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, तो आप जो है कॉम्प्लेक्स मैमल्स को ना हार्म करके माइसिस के ऊपर ही रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के केस में हुआ था। नाउ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी कि आपके जितने भी केमिकल्स हैं वो भी इसी प्रकार से, जिनका टॉक्सिसिटी लेवल मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स दैट मेक देम मोर सेंसिटिव फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी इस प्रकार से एनिमल को तैयार किया जाता है, ऐसे जीन्स उनके अंदर डाले जाते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति वो सेंसिटिव हो जाए। यानी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर आप किसी एनिमल के अंदर डालो तो वो हाइपर रिएक्शन शो कर दे, राइट, बीमार पड़ जाए या फिर अलग अलग जीन्स एक्टिवेट हो जाए, तो हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है अगर आप किसी चीज का अच्छा खासा लेवल देते हो इन एन एनिमल। सो दे आर एक्सपोज्ड टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट्स आर स्टडीड, और इससे आपको क्योंकि सेंसिटिव बना दिया है आपने एनिमल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस के प्रति, मोर सेंसिटिव बना दिया है, तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाते हैं, फटाफट ही आपको पता लग जाता है गड़बड़ी कहां हुई। अब देखो मेरे भाई, एथिकल इश्यूज होते क्या है, ओके, एथिकल नेचर होना चाहिए हर इंसान के अंदर, यानी आपके कुछ मूल जो है रूल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए, हर इंसान के कुछ उसूल होने चाहिए कि हाँ भाई मैं जिंदगी में गरीब रहूंगा, अमीर रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, बट मैं अपने उसूलों का पालन करूंगा, मैं कभी किसी को चीट नहीं करूंगा, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सच काइंड ऑफ इश्यूज वर सीन इन साइंस फॉर मेनी इयर्स ऑफ टाइम। काफी बार ऐसा हुआ कि कुछ साइंटिस्ट को किसी रिसर्च पेपर का क्रेडिट मिलना था लेकिन नहीं मिला। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हमारे प्रोफेसर हमें सुनाया करते थे। इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जी एन रामचंद्रन साहब, और एनसीईआरटी से रिलेट करके इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आए। जी एन रामचंद्रन साहब जो थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी जिसको आप बोलते हो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो कि एनिमल का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, जो कि आपको सेल वाले चैप्टर के जस्ट पहले देखने को मिलेगा। आपको पता है एनसीईआरटी में टोटल 10 यूनिट्स हैं, 11th और 12th में मिला करके 5-5 यूनिट्स इन एवरी क्लास। तो जो आपकी थर्ड यूनिट है 11th क्लास की, उसमें जी एन रामचंद्रन सर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। इंडियन बुक्स में लिखा हुआ है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय जी एन रामचंद्रन, बट अमेरिकन बुक्स में लिखा हुआ है इट इज गिवन बाय क्रिक। गड़बड़ यहां पे। काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा सोचा दैट इट वाज गिवन बाय जी एन रामचंद्रन। उन्होंने अपना काम जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज किया और उस काम को जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया उस टाइम के सबसे बड़े माइक्रो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की तरफ, ओके, नॉट माइक्रो बायोलॉजिस्ट, सबसे बड़े मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नींव कहा जाता है, वॉटसन, क्रेक, विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन मैम, जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डेसिफर किया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो तभी से स्टार्ट हुई ना, तो उस टाइम पर जो भी पेपर छपता था ना, कोई बड़ा पेपर, कोई बड़ी पब्लिकेशन, वो आपका बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास पहले रिव्यू होने के लिए भेजा जाता था और काफी बार ये आइडिया जो है चोरी कर लिए जाते थे। काम साइंटिस्ट खुद करता था लेकिन आइडिया जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे, अगर उन्हें कोई आइडिया देते तो उस आइडिया को वो काफी बार उठा लेते थे। तो कहा गया कि काफी बार साइंस में ऐसा हो जाता है, देर आर सम सॉर्ट ऑफ एथिकल इश्यूज जो कि मेंटेन किए जाने चाहिए, राइट, एंड देर आर सम सॉर्ट ऑफ यू नो डिग्निटी ऑफ साइंस जो कि मेंटेन करी जानी चाहिए। तो एथिकल इश्यूज के बाद में आप चोरी चकारी के बारे में भी जानोगे कि यहाँ पर पेटेंट से रिलेटेड किस प्रकार से इशू होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट में डिस्प्यूट हो जाता है कि ये चीज पहले मैंने खोजी, ये चीज पहले मैंने खोजी, तो उसके लिए पेटेंटिंग एजेंसीज हैं कि हाँ भाई जिसको लगता है उसने खोजी वो सबसे पहले पेटेंट करा लो, बाद में हमें मत कहना कि पीछे से चोरी हो गई, राइट, आप पेटेंट करा लो कि हाँ भाई ये मेरे नाम पे चीज है, अब कोई भी लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, दैट्स इट। जैसे जमीन के कागज बनते हैं आपके, यू नो अलग अलग प्रॉपर्टीज के कागज बनते हैं आपके, कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसके आपके नाम पर, यू नो बॉन्ड्स अलग से या शेयर्स अलग से दिए जाते हैं आपको, सो दैट टोटली बिलोंग्स टू यू, क्योंकि आपका उस पर हक है, आपके नाम पर है वो चीज, तो आप पेटेंट भी करा लो, राइट, जिससे आप बाद में ये ना बोलो, रोना धोना स्टार्ट करो कि उस साइंटिस्ट ने ले लिया, इसने ले लिया, तो पेटेंटिंग एजेंसीज यहां पर बनना स्टार्ट हो गई। तो साइंस के अंदर अब सारी चीजें रेगुलेटरी वे में चल रही हैं, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें होती हैं, विच आई शॉली लेट यू नो इन द कमिंग टाइम। सो प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, ओके, और ये पॉजिटिव केस में भी आप ले सकते हो, नेगेटिव केस में भी। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया जो इकोसिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, आपने एक ऐसा प्लांट उगा दिया जो कि बहुत ज्यादा यील्ड दे रहा है आपको, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, बहुत प्यारी प्यारी ग्रेन्स दे रहा है, यू नो सुनहरे दाने, साथ में खुशबू छोड़ रहा है, आहा मतलब मजे आ गए, चिड़िया लहलहा रही हैं पूरे खेतों के ऊपर। बट अगर तुमने कोई ऐसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर दी है जो कि हार्मफुल है, नाउ अगर आप उस क्रॉप को खा रहे हो तो आपके लिए दुखदाई है वो क्रॉप, उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है या फिर उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, इट वॉज सो
स्मेली, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उसमें से, तो कीड़े भी तो अट्रैक्ट होंगे ना चिड़िया के साथ साथ, और वो कीड़े वहां पर फीड करना स्टार्ट कर देंगे, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। या फिर आप अगर ऐसा बोलें कि आपने किसी एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और वो अब जो है बन चुका है नरभक्षक, वो भाई अब बंदे खाना स्टार्ट कर रहा है, राइट, उसके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन आ गई, या फिर उसको तुमने इस प्रकार से कुछ जॉम्बी वॉम्बी बनाने का जीन डाल दिया उसके अंदर जो कि आप लोगों को खाता फिर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो तुम्हें पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है रिजल्ट, तुम्हें पता ही नहीं क्या का क्या हो जाए, क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन हम देख के नहीं बता सकते। जैसे इंसान आजकल हम देख के नहीं बता सकते, अच्छा है बुरा है, चार बातें करी, एक छोटा पर्सपेक्टिव बनता है, लेकिन फ्यूचर में उसका क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसीलिए लोगों का कटता है प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में, मेरा भी कटा है दोस्ती यारी में, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जिनके साथ 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 8-8 साल गुजारो उनका यही पता लगता है। तो अनप्रेडिक्टेबल होती है कुछ चीजें, उनको आप देख के नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पर देखो, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है GEAC, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। दुनिया में नहीं, स्पेसिफिकली इंडिया में, क्योंकि इंडिया की एजेंसी है। हालांकि दुनिया में जो भी काम होता है रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, उन्हें अपने देश की कमिटीज को पहले बताना होता है, हम ये काम कर रहे हैं, हमारा प्रपोजल ये है कि हम चूहे को बंदर बना देंगे। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बोलेगी कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस हैज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इंट्यूशंस, सो वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। तो उनकी उस रिसर्च प्रपोजल को खारिज कर दिया जाता है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ हम चूहे के ऊपर इस वैक्सीन की टेस्टिंग करना चाहते हैं एंड वी जस्ट वॉन्ट टू have that into consideration, you can do that. वो आपका ethical माना जाता है। तो approval committee जब approve करेगी आपकी research को, तभी आप कोई transgenic animals बना पाओगे, transgenic plant बना पाओगे, otherwise आप नहीं कर पाओगे, right? तो इंडिया में कोई भी research होती है तो आपको पहले बताना पड़ेगा, right? तभी आपकी GM organization जैसे कि GEAC उसे approve करेंगी, और तब जाके वो जो काम है होगा and then public services के form में लोगों तक पहुंचेगा। आप देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट जो मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट बोलते हैं मैंने किया है, दूसरा साइंटिस्ट बोलता है मैंने किया है। सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स प्लांट्स एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड और डेवलप्ड यूज बाय फार्मर्स और इंडिजीनियस पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले हजारों सालों से बासमती राइस जो है तैयार हो रहा है, उगाया जा रहा है, हमारे फोक सॉन्ग्स में इसका जिक्र है, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें चावल का जिक्र है, नीम का जिक्र है। तो हम जो इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अमेरिका की कोई कंपनी पेटेंट करा लेती है ये बोल के कि हमारे नॉवल प्रोडक्ट का नतीजा है ये, हमारे नॉवल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है ये, दिस इज टोटली रिडिकुलस। क्योंकि हमारे इंडिजीनियस पीपल जो है, जो सदियों से भारत के अंदर ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं भेजा है, हमारे किसान जो है जो मेहनत करके इस अनाज को उगाते हैं, वो जो इस अनाज के बारे में एक एक चीज जानते हैं, 1,00,000 से भी ज्यादा वराइटीज है यहाँ पर, बासमती की इतनी ज्यादा वराइटीज है, मोर देन 200 वराइटीज है, इतनी ज्यादा वराइटीज होने के बाद कोई इसे चुरा कर ले जाए, दैट इज रियली नॉट गुड। सो इसीलिए यहां पर पेटेंट की प्रॉब्लम आने लग गई। तो बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन जैसे आपकी हल्दी है, नीम है, इनको फॉरेन कंपनीज चुराने लग गई। जैसे आपने शायद एक पोस्ट देखा होगा, मैंने रिसेंटली उस पोस्ट को देखा था कि अमेरिका में $10 की 10 दातुन बिकती है, यानी एक दातुन फॉर $1, इट मीन दैट अराउंड 76-77 रुपीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे इट इज लाइक एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैं अपनी नानी के घर जाता हूँ तो मेरे को बहुत शौक है, तो मैं दातुन ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मेरे पिताजी वगैरह और मामा लोग भी वहाँ पर बैठ के कर रहे होते हैं। सो अभी तो हालांकि ब्रशेस हैं हमारे पास, बट स्टिल वी यूज टू ट्राई कि एटलीस्ट साल में जब भी हम 4-5 दिन जाते हैं तो उन दातुनों को हम लोग करें, इट वॉज वेरी गुड। सो हम लोग जो इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कोई और पेटेंट करा ले तो हमारे ऊपर वो चीज़ आ जाती है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, एक चीज़ जो तुम्हारी है मैंने तुमसे छीन ली, और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हें वो चीज वापस चाहिए या फिर अगर तुम्हें उस चीज से खेलना भी है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। यानी तुम्हारी चीज जो मैंने तुम्हें से चुराई, तुम्हें उसी से खेलने के लिए मुझे और पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें तो डबल लॉस हो गया ना मेरे दोस्त। अगर एक अमेरिकन कंपनी पेटेंट ले लेती है राइस का और उसी राइस को मैं बेचता हूं इंडिया में, तो मुझे अमेरिकन कंपनी को भी शेयर देना पड़ेगा, वो भी बिना वजह। तो इंडिया को तो डबल लॉस है, ट्रिपल लॉस है, पता नहीं कितना ही लॉस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेटेंट है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, आपके बासमती राइस की जो है आपकी काफी सारी यूनिक वैरायटीज है, एरोमा और फ्लेवर इसका बहुत खास रहता है, तो आपकी 200 से भी ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है बासमती की, जिसमें से अराउंड 27 वैरायटीज आपकी इंडिया में देखने को मिलती है। इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी थी जिसको पेटेंट मिला बासमती राइस का फ्रॉम US पेटेंट ऑफिस एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि इस न्यू वैरायटी को आप बेचो, और उनकी न्यू वैरायटी क्या थी, दिस इज इंडियन फार्मर्स वैरायटी, जिसमें आपका इंडियन बासमती को क्रॉस किया गया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ।
यानी कोई भी दूसरा चावल की वैरायटी ले ली और इंडिया का बासमती लेके गए, क्रॉस करा दिया और बोले भाई नई वैरायटी है और ये हमने डेवलप की है, इसका हमें पेटेंट दे दो। सो दैट इज नॉट न्यू, क्योंकि इनके पिताजी तो हमारे ही है ना, जो इंडियन फार्मर्स की वैरायटी है ये तो हमारा ही है। सो दैट इज नॉट नोवेलिटी, ये कुछ बहुत नई चीज नहीं होगी। ऐसे तो आप कितनी भी वैरायटीज तैयार कर सकते हो, जो बेसिक वैरायटी है, जो रॉ वैरायटी है सबसे पहली वाली, उसको ही मेन माना जाता है। सो अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस could be restricted by the patent. अगर ऐसा होता है तो इंडिया में जो बासमती बेच रहे थे, according to US Patent Office and Trademark Office, यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। और अगर हमें यहाँ पे चावल बेचना है तो हमें US की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसे पैसे भी देने पड़ेंगे चावल बेचने के बाद, which is entirely a wrong thing. तो यहाँ पर बायो पायरेसी की बात आती है। जैसे आपने कोई पिक्चर देखी, अगर पिक्चर आपके इंटरनेट पर लीक हो जाती है तो आप उसे क्या बोलते हो, पायरेटेड कॉपी, राइट? जब आपकी कोई पिक्चर पहले लीक हो जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, पायरेटेड पिक्चर बोलते हो, कि हाँ भैया पहले लीक हो चुकी है। सिमिलरली आपकी बायो पायरेसी भी होती है, माल किसी और का, प्रॉफिट किसी और को। समझ लीजिए एक पिक्चर आ रही है एक्स वाई जेड, मैंने क्या किया उस एक्स वाई जेड को कहीं पर देखा, मुझे भाई ग्रैंड प्रीमियर पे बुला लिया और मैंने क्या किया, फोन यहाँ पे लगा के छाती पे और कैमरा ऑन करके पूरा का पूरा हाँ 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 नमस्ते नमस्ते करते हुए पूरी पिक्चर रिकॉर्ड कर ली और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी। अब लोगों को तो सर्च करना है उस कीवर्ड को, उन्होंने देखा कि हाँ यार पिक्चर सच में पड़ी है, लो क्वालिटी में है, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट हमारे तो पैसे बच रहे हैं। तो मेरे को वहां से रेवेन्यू काफी सारा आ गया यूट्यूब से, एंड जो प्रोड्यूसर था उसको 100-200 करोड़ का लॉस हो गया, जाहिर सी बात है। तो किसी और के माल को मैंने यूज किया, मुझे प्रॉफिट हुआ और सामने वाले जिसने पैसे लगाए थे उसे लॉस हो गया। तो पायरेसी का ये मतलब होता है अगर बेसिक टर्म्स में देखो तो इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। अब बायो पायरेसी है तो आपने बायो रिसोर्सेज का यूज किया by multinational companies and organization without authorization from the countries and people concerned. यानी समझ लीजिए हमारे बासमती राइस को या फिर हमारे नीम को या फिर हमारे टर्मरिक को किसी और multinational company ने use करना start कर दिया है बिना हमारी permission के, बिना हमारे consent के, and second important thing, बिना हमें कोई compensatory payment दिए हुए, यानी हमें कोई royalty भी नहीं दी। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी ऊपर से कुछ फायदा नहीं हो रहा है हमसे। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर ओके इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी कि यहां पर बोला जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनपे पैसा तो है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है मेरे भाई, रिसोर्सेज के मामले में जीरो रिसोर्सेज, इन द सेंस बायो रिसोर्सेज की बात हो रही है। यानी उनकी बायोडायवर्सिटी कमजोर है, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पारंपरिक जो चीजें हैं वो परंपरागत चीजों को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है इनके पास पैसा नहीं है लेकिन इनकी बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है, इनकी सभ्यता बहुत ऊपर है और इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ऊपर है और इनकी बायो रिसोर्सेज बहुत ऊपर है। इन्हें पता है कि किस चीज का क्या काम है, इन्हें पता है कि हल्दी घाव जल्दी भरती है, इन्हें पता है कि हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी डेवलप होती है, इन्हें पता है जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल, राइट? तो इनको काफी सारी चीजों के बारे में ज्ञान है जो कि हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद का ज्ञान हमारे पास है। तो इतना अमेरिका को इस बारे में नहीं पता या फिर डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं पता, तो वो चाहते हैं कि हमारी चीजों को चुरा चुरा के अपने पास ले जाए और हमें कुछ अठन्नी चवन्नी दे दें इसके मतलब, विच इज रॉन्ग। सो इट हैज टू डेवलप लॉज टू प्रिवेंट द अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी नॉलेज को कोई ना छीने, हमारी जो चीजें हमें संस्कृति से मिली है, परंपरा जो हमारी चली आ रही है बहुत पहले से, वो जो चीजें हैं हमारी परंपरागत चीजें जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हैं वो हमारे पास ही रहे। कोई कितना भी पैसा दे हम उसे नहीं देने वाले, तो वो नॉलेज हमारे पास रहनी चाहिए, राइट? तो ये हमारे नाम पे हम पेटेंट करा लें, ये टेक्नोलॉजी हमारी है। तो इंडियन पार्लियामेंट हैज क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट इन द इंडियन पेटेंट्स बिल दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राइट? यानी यहाँ पर जो भी नई डेवलपमेंट हो रही है, जो भी नई टेक्निक्स आपकी बनाई जा रही हैं, उन टेक्निक्स को पेटेंट कराने का जो काम है वो आपका कौन करेगा? इंडियन पेटेंट बिल करेगा। और इंडियन पेटेंट बिल ही इनसे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करेगा कि किसके पास पहले पेटेंट आया। अगर दो साइंटिस्ट में झगड़ा हो जाता है तो उसमें देखा जाएगा कि किसके नाम पे पेटेंट है एंड द रिजल्ट विल बी इन हिज फेवर। तो साइंस में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो उसका क्रेडिट भी खुद लो, अदरवाइज कोई और ले लेगा जा करके। सिंपल सी बात है। मुझे वीडियो बना के यार बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड ये मत सोचना यार बीच में कुर्सी कहाँ गायब हो गई, दूसरी कुर्सी लगाई है मैंने। सो दो सेशंस में बैठ के मैंने रिकॉर्ड किया है, पहले आपका रिकॉर्ड किया था अप टू आई थिंक आरएनए इंटरफेरेंस जब स्टार्ट हुआ था वहां तक, एंड उसके बाद इन द सेकेंड शॉट। सो आरएनए इंटरफेरेंस तक तुम्हें कुर्सी दिखाई देगी, उसके बाद नहीं दिखाई देगी। उसके बीच में मेरा एक पीएचडी का लेक्चर था, मैं वो लेने चला गया था,
तो गाइज ओजोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस सीरीज. अब काफी ज्यादा नॉलेजफुल है, काफी ज्यादा बेहतरीन है और अच्छा खासा इंटरफेस है, अच्छी खासी स्लाइड्स है. आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा. अब बिफोर स्टार्टिंग द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एक छोटा सा चैप्टर इकोलॉजी का करेंगे. जैसा मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में पिला दूंगा, मैं बीच में घुटवा देंगे और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुमने इकोलॉजी को एज अ बर्डन लिया है. एक चैप्टर किया, दो चैप्टर किए, तीन चैप्टर किए, किसी भी यूनिट के बीच में एक इकोलॉजी का चैप्टर कर लिया, बीच में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कर लिया, बीच में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कर लिया, बीच में ह्यूमन हैंड डिजीज कर लिया. जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको बीच बीच में निकालते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बोरियत भी महसूस ना हो, बीच में कुछ नया भी आ जाए एंड अल्टीमेटली चारों तरफ से सिलेबस को घेर भी लेंगे हम लोग. एक चैप्टर कहीं 11 से उठा लिया, एक चैप्टर कहीं 12 से उठा लिया, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी यू नो कंप्लीटेड ऑन टाइम. सो यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फटाफट. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप ओजोन क्लासेस सर्च कर सकते हो. ओके एंड फॉलो कर लो यार हर जगह पे. इंस्टाग्राम पे अगर हो तो विपिन शर्मा बायोलॉजी पे फॉलो कर लो. लाइफ से रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं वहां पर बताता रहता हूँ. वैसे मेरे पास बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, मैं सारा दिन पढ़ाई करता रहता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ. तो मुझे अगर कोई अवार्ड मिलता है कहीं पर, अगर मैं यू नो कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता लगती रहती है. बट आई थिंक दैट इज अ पार्ट. अभी जमीन पर बैठ के फोटो खिंचाना इज नॉट माई थिंग, तो मैं अपनी फोटोज नहीं डालता यूजली, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त. तो अगर चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो इफ यू आर अ वेल विशर ऑफ माइंड. और अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म दोस्ती बरकरार रहे, बहुत लंबे समय तक हम साथ रहें, तो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. एंड शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. आप लोगों का प्यार बना कर रखें इसी प्रकार से, और नई नई वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा. गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद.